हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश मेहता सर। वेलकम टू द ओसीएम सेशन पार्ट टू। यस्टरडे वी हैव सीन द पेपर पैटर्न, द मार्किंग सिस्टम, वेटेज, वेटेज सिस्टम अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर अदर 8 तक सारी चीज़ हमने देखी थी कि भाई कितने कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उसका वेटेज होता है। ठीक है, सो टुडे वी विल सी फ्रॉम यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 5। कल हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे जो मुझे लगता है कि भाई बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, आपको पता होने चाहिए और आपने एग्जैक्टली आंसर कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, सो टुडे विल सी फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, एंड द चैप्टर नंबर 5 इज ओके। चैप्टर नंबर 5 किसके बारे में बात कर रहा है? ऑन इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे भाई ये कहाँ से इमर्जिंग हुआ, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें जो दी है, जो हम उससे यूज टू है, हमें पता है। तो आपकी बात सही है, आपकी सोच गलत नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे ये इमर्जिंग हुआ करता था, मतलब इट वॉज अबाउट टू कम। लेकिन अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है, बिकॉज इसको इंट्रोड्यूस हुए काफ़ी साल हो गए, तो हमें सबको पता है कि भाई ऑनलाइन सिस्टम क्या होती है, ई बिजनेस क्या होता है, एंड वी आर ऑल्सो यूज टू विद दी ऑनलाइन परचेसिंग ऐप, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। फिर नए नए जो बिजनेस टर्म होते हैं, जैसे आउटसोर्सिंग है, KPO है, BPO है, LPO है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो आई अंडरस्टैंड आपको लग रहा होगा कि ये कुछ हमारे लिए नया नहीं है, हम ये सारे जान चुके हैं, एब्सोल्युटली आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिलेबस में क्या दिया है वो जानना ज़रूरी है, दिस इज़ वन। सेकेंड, आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, जो कि आ सकता है, जैसे यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 मतलब एक पॉइंट दिया है, मेरे नोट्स के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है कि वॉट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। एक प्रोबेबल क्वेश्चन लगता है जो बोर्ड में आस्क यू इन दिस अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। और अभी तक हमने यूनिट नंबर 1, दैट इज चैप्टर 1 to 4 तक कवर किया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके पॉइंट्स, और उस पॉइंट में एग्जैक्टली उस पॉइंट को कैसे याद रखना है, अगर वो पॉइंट के हिसाब से अगर आंसर लिखते हो तो आंसर में एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, उसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, सब कुछ मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है। तो अगर आपने वो मिस किया हो तो आप कल का जो वीडियो है मेरा वो यूट्यूब पे आप देख सकते हो। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आज भी पूछ सकते हो, या बाद में भी अगर आप पूछोगे एग्जाम से पहले, तो आई डेफिनेटली आंसर द सेम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 5। जस्ट अ मिनट, चलिए जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऑन्टरप्रेन्योरशिप तो चैप्टर नंबर 3 में था, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, उसमें एग्जैक्टली हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 5, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। तो फ्रेंड्स, पहले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात
करे, उससे पहले हम देख लेते कि ई बिजनेस मतलब क्या है। ई बिजनेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वे से जो हम बिजनेस करते हैं, मतलब थ्रू वेबसाइट, थ्रू ऐप, ठीक है, दैट इज अवर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ई बिजनेस। तो जैसे हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। तो चलिए जान लेते एक बार। पहला आपका जो पॉइंट है, पहला आपका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ईज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, हमें इंफॉर्मेशन अगर किसी को पास ऑन करनी हो, किसी से इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो ऑनलाइन इज द बेस्ट सोर्स, रादर बेस्ट अवेलेबल मीन्स टू गेट द इंफॉर्मेशन और टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं पे रोड पे खड़ा हूँ कहीं पे और मुझे चाहिए कि भाई नियरेस्ट एटीएम क्या है, तो मैं गूगल पे डालता हूँ भाई नियरेस्ट किस बैंक का एटीएम है, या नियरेस्ट कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा होगा, वगैरह वगैरह। सो इफ योर बिजनेस इज प्रेजेंटिंग, इफ योर बिजनेस इज प्रेजेंट्स ऑन ऑनलाइन, तो आपका जो बिजनेस की जानकारी है या आपका बिजनेस है, इट कैन बी इजीली स्प्रेडेड और इट कैन बी इजीली अवेलेबल टू द प्रोबेबल कस्टमर। तो ईज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि यू कैन पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द प्रोस्पेक्टिव बायर। आप आराम से ऑनलाइन अपने बिजनेस का प्रेजेंस करके बिजनेस को एनहांस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया है, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफिकल्ट, बराबर है। देखिए, ऐसा है कि भाई अगर मुझे ट्रेडिशनल वे से बिजनेस के बारे में सोचना है, तो भाई मुझे जगह चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बहुत सारा स्टॉक रखना पड़ेगा, पता नहीं मेरे पास कस्टमर आके क्या वैरायटी मांग ले, चॉइस मांग ले, वो एक डिफ़िकल्टी हो सकती है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी, लेबर रखने पड़ेंगे, राइट। बिजनेस मेरा लोकेशन के साथ साथ चकाचक होना चाहिए, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग आके भाई अच्छा महसूस करें मेरे बिजनेस में आके। तो इसमें ढेर सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ रिस्क होगी। लेकिन अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, तो वेयर इज टू फॉर्म ई बिजनेस इज रिलेटिवली ईजी टू स्टार्ट। आपको लगता है कि अमेजोन में जितने भी प्रोडक्ट है, हज़ारों की संख्या में प्रोडक्ट है, सबके सब अमेजोन बनाता होगा या स्टोर करता होगा? नहीं। उसमें से मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या होते हैं, अमेजोन ने जो मैन्युफैक्चरर से उनके साथ टाई अप करके बोला होता है कि भाई जितने भी कस्टमर्स हमारे होंगे हम उनसे ऑर्डर लेंगे और आपको पास ऑन करेंगे, यू हैव टू जस्ट सप्लाई इट। तो इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म। ऑनलाइन बिजनेस की खासियत है कि आप इजीली उसको फॉर्म कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट कहता है लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, जो पॉइंट मैंने ऑलरेडी पॉइंट नंबर वन में कवर कर दिया। आपको ट्रेडिशनल बिजनेस हो तो जगह चाहिए, सिर्फ जगह नहीं चाहिए, आपकी जगह वो जो बिजनेस लोकेशन है, प्लेस है, वो प्रोमिनेंट लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत है। तो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी लैंड में, दूसरा फर्नीचर, तीसरा लेबर। आपको बिजनेस को सिर्फ बनाना नहीं है, लोकेशन फाइंड आउट नहीं करना है, उसको चकाचक भी रखना है, मतलब एम्बियंस भी अच्छा होना चाहिए, तो आपको इंटीरियर पे खर्चा करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैवी इन्वेस्टमेंट वाली है ना। तो आपको ऑनलाइन बिजनेस में किस चीज़ की ज़रूरत है भाई? आपको कंपनी से टाई अप, मतलब मैन्युफैक्चरर से टाई अप करना है, आपको जो कुरियर वाले होते हैं, सप्लायर होते हैं, उनसे टाई अप करना है, एंड दैट्स इट। आपने जो ऑर्डर रिसीव किया, यू कैन पास ऑन द ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरर एंड दे विल डिलीवर टू द लोकेशन। तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लो एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, एज द स्टोर डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी मैनेज विद लेस मैन पावर। सो इफ ट्रेड डज नॉट हैव मच ऑफ द इन्वेस्टमेंट बट हैव कॉन्टैक्ट दैट इज नेटवर्क, यू कैन डू द फेबुलस बिजनेस। जिसके पास भाई जगह नहीं हो, इन्वेस्टमेंट की कमतरता हो, या ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं हो, दैट पर्सन कैन इजीली गो फॉर अ ऑनलाइन बिजनेस। कन्वीनियंस, मुझे एक बात बताइए, रात को अगर शाम को रात को 10 बजे मेरा मन हुआ कि चलो मैं अभी मार्केट में जाता हूँ और कोई चीज़ लेके आता हूँ, चलो मुझे लेदर के शूज़ लेने हैं, तो शायद मैं रात को 10 बजे जाऊँ तो मुझे बहुत कम शॉप्स मिलेगी जो ओपन रहेगी, या मुझे एंटरटेन नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई 10 बजे तुम्हारा क्लोजिंग टाइम है। लेकिन अगर मैं रात को 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे फ्लिपकार्ट पे जाऊँ, अमेजोन पे जाऊँ, और वहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, तो वहाँ पे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है, आराम से देख के आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, आराम से आई कैन वेरीफाई एंड आई कैन प्लेस द ऑर्डर। तो ऑनलाइन इज वर्किंग 24/7, दैट इज 24 आवर्स, 7 डेज इनटू 365 डेज। क्या कभी आपने देखा है कि अमेजोन दिवाली के दिन बंद होता है? रादर सबसे ज़्यादा दिवाली के दिन उनका बिजनेस चलता है ना। सो 24/7 दिस फैसिलिटी इज देयर। सो कन्वीनियंस, येस, हाई कन्वीनियंस। स्पीड, आप आज ऑर्डर बुक कराओ और आपको 2 दिन में आपके घर पे ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। तो यस, नाउ डेज दे आर हाईली, यू नो आई मीन दे आर वर्किंग, दे हैव ऑलरेडी वर्कड गुड प्रोसेस, दे हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द गुड प्रोसेस फॉर स्पीड, दैट मीन्स स्पीड स्पीड डिलीवरी। आप आज ऑर्डर बुक कराओ, कल शाम तक या 2 दिन में आपके घर पे वो प्रोडक्ट आराम से डिलीवर हो जाएगा।
This benefit becomes all more attractive when it comes to information. Much of the buying or selling involves exchange of information, that is internal, allows to click the okay. Global access. देखिए अगर मेरी किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जैसे नासिक के कॉलेज रोड पे शॉप हो तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर नियर बाय होंगे, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस वाले होंगे. ऐसा तो नहीं होगा कि कोई पुणे से मेरे वहाँ कस्टमर आएगा, कोई सांगली से आएगा, कोई मुंबई से आएगा, ऐसा तो होगा नहीं. हाँ, अनलेस मेरे पास ऐसे कोई चीज़, ऐसा कोई प्रोडक्ट है कि जो यूनिक हो तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसा तो होगा नहीं. हाँ, लेकिन अगर मेरा बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंस में प्रेजेंस है उसका ऑनलाइन, दैट मीन्स एनी वन कैन हैव दी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर. लाइक पुणे का कोई कस्टमर भी दिख सकता है, सांगली का कोई कस्टमर दिख सकता है, मुंबई से कोई कस्टमर चाहे तो उसको ऑर्डर प्लेस कर सकता है. तो यस, ग्लोबल एक्सेस इज पॉसिबल थ्रू ऑनलाइन बिजनेस. मूवमेंट टूवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी. हमारा देश, सरकार, सब लोग हमें कहते हैं कि भाई हो सके उतना पेपर बचाइए, बराबर है, पर्यावरण को आप हेल्प कीजिए, राइट? क्योंकि अगर एनवायरमेंट है तो सब कुछ है, एंड वी वॉन्ट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल. तो जितना पेपर कम होगा उतना ही एनवायरनमेंट को हम हेल्प करेंगे. और बाकी सारी चीज़ें, मतलब ट्रेडिशनल वे पे जाएंगे तो हम बिल जनरेट होगा, फिर मे बी हमें कुछ मैनुअल वगैरह दिखाया जाएगा. यहाँ पे ऑनलाइन पे आपकी प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है, जहाँ पे पेपर का यूज़ नहीं किया जाता. इतना ही नहीं, अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो किसी प्रोडक्ट के लिए, इन दैट केस आप बिना बिल, मतलब फिजिकल फॉर्म में आपको बिल मिलता नहीं है, इवन जो बिल जनरेट होता है दैट इज़ इन मेल. तो आप ऑनलाइन थ्रू परचेस करते हो, एंड इवन योर प्रोडक्ट और योर ऑर्डर इज ऑल्सो बुक्ड ऑनलाइन. गवर्नमेंट सपोर्ट. गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे देश का एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े. अब कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करना सीखो, बिजनेस करो, ताकि गवर्नमेंट को भी हेल्प हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, देश की जीडीपी में आप हेल्प करो. इसलिए गवर्नमेंट इज़ वेरी मच सपोर्टिव फॉर ऑनलाइन बिजनेस ऑल्सो. एंड लास्ट वन इज ईजी पेमेंट. येस, नाउ इट इज मेनी ऑप्शन ऑनलाइन, दैट मीन्स क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, देन फोन पे, ये सारी चीज़ें आप गूगल पे, आप ये सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो पेमेंट करने के लिए. तो इट कुड बी इजिली फाउंड आउट. देखिए अभी जहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो डिसएडवांटेज में पहला क्या आएगा? लेक ऑफ पर्सनल टच. उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. भाई मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके बाजू में ना किराना दुकान वाला है, बहुत सालों से मुझे पर्सनली जानता है. तो अगर मैं उसको कभी कभार बोल दूँ कि भाई लेट्स अज्यूम कि उनका नाम शर्मा जी है, तो शर्मा जी एक काम कीजिएगा, 100-100 चीज़ मेरे घर पे पहुँचा दीजिएगा, तो वो बिल्कुल हंस के हाँ बोलेंगे, येस डेफिनेटली शाम तक आपको ये चीज़ मिल जाएगी, है ना. वो मुझे ये नहीं पूछेगा सर पैसे का क्या, आपने ऑर्डर तो दिया नहीं, आपका ऑर्डर कैसे कन्फर्म होगा, क्योंकि वो मुझे इतने साल से जानता है. शायद ऐसा भी हो सकता है कि शर्मा जी अभी पैसे नहीं, मैं आपको 2-3 बाद दे दूंगा, तो बोलेगा यस पक्का. क्या आप अमेजोन को बोल सकते हो कि भाई मैं आज ऑर्डर आज दे रहा हूँ और आपको अगले हफ्ते पैसे देता हूँ, अगले महीने पैसा देता हूँ? नहीं. अगर आपने COD भी बुक करवाया है तो जैसे ही आपको प्रोडक्ट डिलीवर होगा एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक द पेमेंट. तो देर इज लेक ऑफ पर्सनल टच. ना वो आपको जानते हैं, ना आप उनको जानते हैं, ठीक है. इतना ही नहीं, अगर आपका जो नियर बाई शॉप वाला है, अगर आप वो कोई चीज़ परचेस करते हो और वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो आपको रिकमेंड भी करते हैं भाई ये परचेस मत करना, ये इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, मैं आपको, मुझे पता है कि आपको किस तरह के क्वालिटी के प्रोडक्ट पसंद आते हैं, तो आपको बेटर क्वालिटी रिकमेंड करेंगे. लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में या ऑनलाइन ऐप पे जो प्रोडक्ट वहाँ पे दिख रहे हैं, जो फीचर्स है पता नहीं कैसा है क्या है, आप ब्लाइंडली उसको परचेस कर लेते हो, तो मे बी आपको वहाँ पे कोई पर्सनली रिकमेंड करने वाला होता नहीं है. डिलीवरी टाइम, ये किसी एक ज़माने में इशू हुआ करता था भाई. ऐसा था कि तब नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कुरियर की जो बिज़नेस, कुरियर में जो बिज़नेस करते थे, या उनका जो नेटवर्क था बहुत कम हुआ करता था. तो ऐसा होता था कभी कभार कि कहीं कहीं पे कुरियर सर्विस नहीं है, अगर है तो भी बहुत लेट प्रोडक्ट मिलेगा, 8 दिन 15 दिन, दैट वॉज द इशू. लेकिन अभी ये पॉइंट रूल आउट है, मतलब एक्चुअली ये पॉइंट रहा नहीं है. यूजुअली हर जगह पे, हर लोकेशन पे कुरियर की सर्विस अवेलेबल है. सिक्योरिटी इशू एक ज़माने में हुआ करता था, क्योंकि अगर आप अपनी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर रहे हो, मे बी उसका मिसयूज़ हो सकता था, मे बी आपके अकाउंट से ऐसे ही पैसे भाई कोई निकाल लेगा, या उसका मिसयूज़ करेगा, या उसको आपकी जानकारी मिल जाएगी फिनेंशियल. लेकिन आप देखिए आजकल आपके हर ट्रांजेक्शन पे एक OTP जनरेट किया जाता है, एंड दैट OTP इज़ वन टाइम पासवर्ड. अगर आपने वो ट्रांजेक्शन किया नहीं है तो आप OTP भी शेयर मत कीजिए, ताकि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सेफ है, कहीं आपके पैसे जाएंगे नहीं और आपका कहीं पे भी जो फिनेंशियल डेटा है वो शेयर नहीं होगा.
गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एक जमाने में हुआ करता था, आजकल बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि लोगों का जो फिनेंशियल सिक्योरिटी, फिनेंशियल जो डेटा होता था वो है ना, काफी हद तक उसको मिस यूटिलाइज किया जाता था। तो गवर्नमेंट को बड़ी कड़ी नजर रखनी पड़ती थी कि भाई उसका मिस यूज तो कोई कर नहीं रहा है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि अगर एक बार इसका नाम खराब हो गया तो शायद फ्यूचर में कोई इसको पसंद नहीं करेगा, शायद ये चलेगा नहीं। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट उस पर बहुत ज्यादा क्लोज ऑब्जर्वेशन रखते थे, जो कि आज के डेट में प्रॉब्लम नहीं है। हाई रिस्क, हाई रिस्क ऑफ व्हाट? हाई रिस्क इज इन्वॉल्व्ड एज देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द पार्टीज। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी वेबसाइट पे चले गए, फेक ऑर्डर, मतलब वेबसाइट ही फेक होती है और हमें लगता है अरे वाह इतना सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है, चलिए परचेस कर लेते हैं। मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि भाई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने देखा और फेसबुक पे उसके एडवर्टीजमेंट देखी और मैंने वहीं पे बुक करवा लिया, और बाद में जब वो डिलीवर हुआ तो पता चला कि भाई पैसे उन्होंने ले लिए और डुप्लीकेट प्रोडक्ट या ऐसे ही कोई भी इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दिया है। तो ये हाई रिस्क हुआ करती थी, अभी ये भी कम हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट का इस पर अच्छा खासा कंट्रोल है, फर्स्ट। एंड सेकेंड, कुछ वेबसाइट ऐसे है कि जिसको बहुत ट्रस्ट वर्दी है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, हमें पता है भाई ये थोड़ा सा डिले कर सकते लेकिन हमारे साथ चीटिंग नहीं करें, ठीक है। सो ऑनलाइन बिजनेस बेसिकली होता क्या है? ऑनलाइन बिजनेस की अगर बात करें तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, जहाँ पे आप इंटरनेट का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हो, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में जानकारी लेते हैं। दैट इज नोन एज बिजनेस थ्रू ऑनलाइन या ई बिजनेस। इट कॉन्ट टेक प्लेस विदाउट अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपका नेट कनेक्शन ना हो, अगर आप वर्ल्ड वाइड एक्सेस नहीं हो, आप किसी से जुड़े हुए नहीं हो, तो आई मीन आप वर्ल्ड वाइड अगर आप लोगों से या यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर एक्सेस टू द वर्ल्ड, देन आपका वो इंटरनेट वाला बिजनेस हो नहीं सकता, ऑनलाइन वाला बिजनेस हो नहीं सकता। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अकर व्हेन अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरनेट, अ कंज्यूमर परचेसेस अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑनलाइन, ही और शी पेज फॉर इट थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। यस वी नो। प्रोसीजर के बारे में वैसे क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन एक बार फिर भी से देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आपको, आपके नाम, एड्रेस, फोन नंबर के साथ, फिर ओटीपी आता है एंड उनको पता चलता है हाँ भाई आपका नंबर और आपका जो भी डेटा है वो मैच हो रहा है। फिर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आप सारा ब्राउजिंग करते हो वेबसाइट पे, कौन से ऑफर पे क्या, कौन से प्रोडक्ट पे क्या ऑफर है, कितना डिस्काउंटेड प्राइस में, फीचर्स क्या है, गारंटी वारंटी क्या है, एंड यू प्लेस द ऑर्डर। देन पेमेंट, आप चाहो तो इमीजिएटली पेमेंट कर सकते हो या यू कैन मेक द पेमेंट सीओडी। दैट इज, ये सारे ऑप्शन है। कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट एक ज़माने में हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है, लेकिन आप लिखने के लिए लिख सकते हो क्योंकि सिलेबस में आपको यहाँ पे दिया है। नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र, आप नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हो, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, डिजिटल कैश। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है, बोलते भाई ये क्या है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश मतलब आपका जो वॉलेट होता है, पेटीएम वॉलेट, फ़ोनपे वॉलेट, जहाँ पे आप अपने अकाउंट में से वो वॉलेट में पैसे लेके रखते हो, एंड यू कैन इजिली मेक द मनी। मतलब हर बार आपको अकाउंट से, आपके बैंक के अकाउंट से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, वॉलेट में जो पैसे होंगे वहां से आपके पैसे पे हो जाएंगे। दैट इज डिजिटल कैश। सिंपल सा प्रोसेस है। बाइंग कैसे होती है? बायर फाइंड्स द सेलर, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। पहला बायर देखता है भाई इस पर्टिकुलर फील्ड में कौन से सेलर है, गुड्स सिलेक्ट करते हैं। दिस इज द सेकेंड वन। तीसरा निगोसिएशन ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशंस। वैसे अपने को निगोसिएशन के लिए या टर्म्स एंड कंडीशन पे बार्गेन करने के लिए कम चांस होता है लेकिन फिर भी चलिए वो एक हो गया। फिर सेल होता है एक्चुअल, देन पेमेंट ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी। ओके, तो इस जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 में मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, दैट इज बेनिफिट, एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस, जो हमने डिटेल में अभी पढ़ा ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो है आउटसोर्सिंग। नाउ आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि आप बिजनेस की अपनी कोई एक्टिविटी, नॉन कोर, नॉन कोर का मतलब होता है जो आपके बिजनेस की जो मुख्य एक्टिविटी नहीं है वो छोड़ के, दैट इज नॉन कोर एक्टिविटी, आप आउटसोर्स करते हो। आउटसोर्स करते हो मतलब किसी को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए दे देते हो, आउटसोर्स करते हो, ठीक है, किसी को ऑपरेट करने के लिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, भाई मेरा बिजनेस है लेट से सीमेंट का, मेरी इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में मेरे पास जितने एम्प्लॉयज हैं उनको भाई मैंने बोला है कि भाई कंपनी की तरफ से आपको कैंटीन फैसिलिटी रहेगी, तो ये कैंटीन फैसिलिटी जो है मैंने आउटसोर्स कर दी।
मेरे एम्प्लॉय भी नहीं है, राइट, ना मैंने उनको रिक्रूट किया है, कुछ नहीं, ये मैंने किसी और को ऑपरेट करने के लिए दे दिया, ठीक है। चलिए ये तो कैंटीन का एग्जांपल हो गया, और एक एग्जांपल हो सकता है कि मेरे जो सिक्योरिटी है ऑफिस की या फिर कंपनी की फैक्ट्री की, वो मैंने आउटसोर्स कर दिया, मैंने किसी सिक्योरिटी एजेंसी से कॉन्टेक्ट किया, मैंने बोला भाई हमें गेट पे दो लोग चाहिए, हमारे कंपनी के अंदर दो तीन लोग चाहिए जो हमेशा ऑब्जर्वेशन करते रहे, मैंने वो आउटसोर्स कर दिया है। सो आउटसोर्स का मतलब होता है कि आपके बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी नहीं है उसको आपको आपने किसी को ऑपरेट करने के लिए दे दिया, दैट इज नॉन कोर एक्टिविटी, ठीक है। आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन और एनी स्पेसिफिक बिजनेस, आपके पूरे टोटल बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज या बहुत सारी एक्टिविटीज में से कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, मोस्टली द नॉन कोर एक्टिविटीज, जो मैंने आपको बताया ऊपर वाला वर्ड नॉन कोर एक्टिविटीज एरिया सच एज सैनिटेशन, सिक्योरिटी, हाउस होल्ड पेंट्री एक्सेट्रा, जैसे कैंटीन हो गया, क्लीनिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, एक्सेट्रा, आर आउटसोर्स बाय कंपनी। द कंपनी मेक्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद द एजेंसी, वो उनके साथ फॉर्मल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई आपको हमें सो एंड सो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है एंड विल पे दिस पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर आउटसोर्सिंग। इसकी जरूरत यह है कि भाई सब जगह हम खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे, हमारा खुद का मैन पावर होने लगा, तो शायद अगर जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, आई रिपीट जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन का मतलब होता है हर जगह थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कहीं पे भी पूरा नहीं, तो ऐसे तो नहीं बनेगा, है ना। तो हम अपनी कोर एक्टिविटीज, कोर मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, मेरी जो इंडस्ट्री वो सीमेंट इंडस्ट्री है, तो मैं अपने क्वालिटी पे ध्यान दूँ, मैं अपने रॉ मटेरियल पे ध्यान दूँ, मैं अपने क्वालिटी कंट्रोल के साथ साथ पैकेजिंग कैसा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, सब लोगों तक मेरा जो गुड्स है वो टाइम पे पहुंच रहा है नहीं, उनका फीडबैक क्या है, इस पे ध्यान दूँ, या मेरे ऑफिस में या मेरे फैक्ट्री में कैंटीन है या नहीं है, कैसे चल रहा है, उस पे ध्यान दूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि कैंटीन फैसिलिटी रखना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है, तो ज़रूरी है लेकिन कोर एक्टिविटी में नहीं आता है, ये नॉन कोर एक्टिविटी में आता है जो कि मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ कि भाई जो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम आउटसोर्सिंग कर सकते हैं जो एक्टिविटीज़ हमारे बिजनेस से डायरेक्टली कंसर्न नहीं है, या ज़रूरी नहीं कि उस पर हमारा डायरेक्टली ध्यान हो या हम उसको कंट्रोल करें। ओके, एडवांटेजेस की बात करते हैं कि ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज। अभी आप बोलोगे सर ये तो बात कुछ हमें हम एग्री करें ऐसा लग नहीं रहा है। आप अगर किसी और को आपकी बिजनेस की एक्टिविटी ऑपरेट करने के लिए बोलते हो तो उसको जो कॉस्ट लगेगी उस पर अपना वो प्रॉफिट जोड़ के आपको तो ज़्यादा कीमत में बताएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपने खुद के एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे रखोगे तो मे बी आपसे एक बंदा 10,000 रुपये लेगा, लेकिन अगर आप वो आउटसोर्स करोगे तो मे बी ऐसा हो सकता है कि पर मंथ आपको 12,000 चुकाने पड़े। बात सही है, ठीक है, लेकिन देखिए ऐसा है कि अगर मैं उनको रिक्रूट करता हूँ तो फिर पेपर में एडवर्टीजमेंट देने की कॉस्ट, रिक्रूटमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उन पे ध्यान रखना, उनको बोनस देना, उनको टाइम टू टाइम सैलरी देना, लीव वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जिस पे मुझे खुद ध्यान रखना पड़ेगा, खुद ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ बंदों को अपॉइंट करना पड़ेगा उन पे ध्यान रखने के लिए, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो एक बंदा है, ठीक है, अभी एक बंदे को मैं एक ही फैक्ट्री में एक ही जगह पे यूटिलाइज कर सकता हूँ उसको ऐसे सिक्योरिटी, लेकिन जिसकी एक्सपर्ट एजेंसी है, जिसके पास ये है, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ही बंदे को 4 आवर की एक ड्यूटी देके दूसरी जगह पे 4 आवर के लिए भेज सकता है, मतलब वो दो कंपनी से कमा सकता है। हालांकि मेरे पास एक बंदा होगा तो मुझे एक ही कंपनी में एक ही फैक्ट्री में रखने के लिए मुझे उसको वहीं पे असाइन करना पड़ेगा, तो ओवरऑल जो कॉस्ट का बेनिफिट होता है वो यहाँ पे मिल सकता है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स में एक वर्ड आता है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है कि भाई आपके जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी प्रोडक्शन की उतने ही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा। कैसे, आई टेल यू। अगर आप एक घंटे में एक आवर में 10 यूनिट बनाते हो, ठीक है, और दूसरी कोई कंपनी एक आवर में उसी तरह का 100 यूनिट्स बनाती है, तो ये जो 100 यूनिट्स बनाने वाली कंपनी है उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि ये जो एक घंटे में 10 यूनिट बनाए जा रहे हैं
उसकी जो फिक्स कॉस्ट होगी उस कंपनी की, जैसे रेंट हो गया, एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई वगैरह वगैरह, वो 10 यूनिट में डिवाइड होगी। लेकिन उसी जगह उसका जो कॉम्पिटिटर है वो एक घंटे में 100 यूनिट्स बना रहा है, मतलब उसकी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 100 यूनिट में डिवाइड होगी, मतलब उसका पर यूनिट कॉस्ट कम होगा इस कंपनी से। इसी तरह से अगर आपको एक्सपर्टीज सर्विस मिलती है तो उसको पता है कैसे बंदों को रिक्रूट करना है, उसको एक अकेले बंदे को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, उस पर लोगों को असाइन करने की जरूरत नहीं कि इस पर ध्यान रखो, उसे पता है कि जब वो ट्रेनिंग देगा तो 10 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग देगा, 25 लोगों को एक साथ देगा, तो उसकी जो कॉस्ट है ट्रेनिंग की वो भी कम रहेगी, मिनिमाइज हो जाएगी। दिस वे द ओवरऑल कॉस्ट इज लेस। स्टिम्युलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। देखिए ऐसा है कि भाई अगर हम दूसरे लोगों को चांस देते हैं कि आप आइए आप और हमें हेल्प कीजिए, हमारी जो नॉन कोर एक्टिविटी है उसको आप हमें मदद कीजिए, ऑब्वियसली पैसे तो लेंगे, मदद मतलब फ्री वाला नहीं रहेगा, लेकिन उससे ये होगा कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी और को भी चांस दे रहे हो बिजनेस करने के लिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी इंडस्ट्री में कैंटीन का जो ऑर्डर है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी को दे रहा हूँ, मतलब जो कैंटीन चला रहा है उसको एक कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। मैं अगर सिक्योरिटी आउटसोर्स करना हो तो सिक्योरिटी जिसकी एजेंसी है उसको भी हेल्प होगा, तो कहीं ना कहीं मैं एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और मे बी एक्सपोर्ट के लिए भी हेल्प हो सकता है। लो मैन पावर कॉस्ट, जैसे मैंने बताया मेरी कंपनी में मैं एडवर्टीजमेंट दूँ, स्क्रीनिंग इन द सेंस मैं इंटरव्यू करवाऊँ, फिर रिटर्न टेस्ट वगैरह लूँ, बहुत टाइम कंज्यूम है और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा आउटसोर्स कर देता हूँ तो भाई आप ही उसको रिक्रूट करो, आप ही ट्रेनिंग दो, आप ही उसको जॉब असाइन करो और मेरे वहाँ पे भेज दो, तो ताकि कल उठ के अगर बंदा छोड़ के भी चला गया जॉब तो मुझे डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं होगा, मैं बोलूँगा भाई आपका जो बंदा था वो चला गया, आप दूसरे एक बंदे को भेज दीजिए। इसकी जगह अगर मैंने रिक्रूट किया होता, मैंने ट्रेनिंग दिया होता तो मुझे कितना दुख होता, भाई मैंने इतना एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्चा किया, मैंने ट्रेनिंग दिया, मैंने उसको सारी चीज़ें समझाई और जब उससे एक्चुअली प्रोडक्टिविटी लेने का टाइम आया तो चला गया। नेक्स्ट इज एक्सेस टू प्रोफेशनलिज्म, एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। अगर मैंने जिसको कैंटीन का ऑर्डर दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके मे बी उसके पास 10 अलग अलग कंपनी के कैंटीन के प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो एक्सपर्ट है, उसके पास एक्सपर्ट कुक है, उसके पास लेट्स अज्यूम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं अपनी कंपनी में कोई एक सिंगल स्टैंड अलोन कैंटीन चलाता हूँ तो मे बी मेरे पास जो बंदा है वो शायद इतना एक्सपर्ट नहीं है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं 200-500 लोगों का एग्जैक्टली कैसे खाना मैनेज करना है, वेस्टेज कैसे कम से कम करना है। अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ किसी आउटसोर्स को तो वो एक्सपर्ट है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास 10 अलग अलग कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट है, दैट वे तो प्रोफेशनल सर्विस मुझे मिलती है। एम्फोसिस ऑन कोर प्रोसेस रादर देन सपोर्टिंग वन, इससे मुझे चांस मिल जाता है कि मैं अपनी जो कोर एक्टिविटीज़ है उस पर ध्यान दूँ अदर देन नॉन कोर एक्टिविटीज़। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स आर रिड्यूस, बराबर है। देखो यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे एम्प्लॉय को मैं सारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करता हूँ और मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं 4 अलग अलग जगह से आते हैं, लोकेशन ए, लोकेशन बी, लोकेशन सी और लोकेशन डी, तो मैंने सोचा कि भाई चलिए काम करते हैं कि इनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और हर एरिया में एक बस रखते हैं। आज एक बस की कीमत आप कम से कम, अगर मैं सेकेंड हैंड बस की भी बात करूँ तो 20 लाख रुपए मान के चलिए। वैसे अगर मैं 5 बस भी बात करता हूँ तो मेरा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहीं हो गया, प्लस ड्राइवर, प्लस डीजल वीजल जो लगेगा वो, ठीक है, प्लस मेंटेनेंस वगैरह, तो मैंने 1 करोड़ मेरी नॉन कोर एक्टिविटी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। नॉन कोर मतलब क्या भाई, इसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन नहीं चलता, इसकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं चलता, लेकिन अगर मैंने ये ट्रांसपोर्टेशन आउटसोर्स कर दिया और मैंने बोला कि चलो ठीक है शायद मैं ऑपरेट करूँ तो मुझे 20,000 रुपये पर मंथ खर्चा आए मेरी खुद की बस के लिए, मैं यहाँ पे 25,000 रुपये पर मंथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो फिक्स कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट है, वो बच गया, मतलब मुझे 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने की जरूरत, सॉरी 1 लाख नहीं, 1 करोड़ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इमीडिएटली, है ना। दिस वे बिजनेसमैन शुड थिंक एंड दे आर थिंकिंग लाइक दिस वे, इसलिए उनका काफ़ी सारा पैसा बच जाता है नॉन कोर एक्टिविटीज़ में। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, देखिए ऐसा है कि अगर आपको चांस मिल जाता है कि आप अपने कोर एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए, है ना, सिंपल सी बात है, तो आपको जैसे बता दिया जाए भाई आपको सिर्फ इतना करना है तो आपका जो फोकस है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी
एक्चुअली दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट वर्ड्स है. एफिशिएंसी बढ़ना मतलब कैपेबिलिटी बढ़ना, और आपकी जैसे कैपेबिलिटी बढ़ेगी द प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो बी इंक्रीज. नॉलेज शेयरिंग, एक्सपर्ट नॉलेज हमें पता चलेगा, एक्सपर्ट नॉलेज हमारे साथ शेयर होगा. डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग लिमिटेशंस, पहला लेक ऑफ कस्टमर फोकस. एक बड़ी दिक्कत का काम है. क्यों दिक्कत का काम है? देखिए ऐसा है कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल मेरी खुद की कंपनी हो और मेरी खुद की कैंटीन हो, तो मेरा जो कुक होगा वो हमेशा ध्यान रखेगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ को यहाँ का खाना पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, उनका फीडबैक क्या है, ठीक है. लेकिन अगर मैंने ये कैंटीन आउटसोर्स किया है और वो शायद अच्छी टेस्ट का, अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं दे रहा है, हाइजीन कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको कोई लेना देना नहीं है कि मेरे कंपनी के एम्प्लॉय का क्या फीडबैक है. वो बोलेगा ठीक है ना, ऐसे भी मेरा नाम कहाँ खराब हो रहा है, मुझे क्या लेना देना है. लेकिन अगर मेरी कंपनी का कुक होगा तो वो ज़रूर सोचेगा कि नहीं भाई, मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मुझे बाकी के एम्प्लॉयज़ क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये जानना ज़रूरी है. तो आउटसोर्सिंग में क्वालिटी का एक इशू आ सकता है, एक फीडबैक का इशू आ सकता है, और शायद अगर ये फोकस डाइवर्ट हो जाए तो लॉन्ग टर्म में नाम भी खराब हो सकता है. थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. ऐसा हो सकता है कि कोई एक्टिविटी मैंने जो आउटसोर्स कर दी है उसका मिस यूटिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है. मे बी उनको कुछ जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, जैसे भाई मेरा रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, क्या कॉस्ट से आता है, मुझे क्रेडिट पीरियड कितना मिलता है, प्रोडक्शन का मेरा फॉर्मूला क्या है, पैकेजिंग कैसे होती है, अगर ये किसी आउटसोर्स मतलब किसी व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को, बाहर के व्यक्ति को पता चल जाए तो वही शायद कॉम्पिटिटर को सारी इन्फॉर्मेशन देके मेरे बिजनेस को अफेक्ट भी कर सकता है नेगेटिवली. डिससेटिस्फैक्टरी सर्विसेज, ये पॉइंट मैंने पहले इसमें ही कवर कर लिया. जो आउटसोर्स वाला होता है उसको कभी भी इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि मैं जो सर्विस दे रहा हूँ, मैं जो क्वालिटी दे रहा हूँ उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उसको पता है भाई टच हुआ, नाम भी खराब हुआ तो मेरा नहीं होने वाला है, उस कंपनी का होने वाला है जिसके लिए मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ. एथिकल इश्यूज में भी ऐसा हो सकता है कि आपके लिए चीज़, आपके लिए कोई चीज़ गलत हो, लेकिन आपने जिसको आउटसोर्सिंग दिया है, जिसने आपको, आपने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, प्रोजेक्ट दिया है, बोलेगा भाई मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई सही गलत वर्ड ही नहीं है, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें सही है, करते रहो बस. तो एथिकल इशू हो सकता है. अदर डिसएडवांटेजेस क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मे बी कुछ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म समझ में नहीं आए, मे बी उस पर कॉन्फ्लिक्ट हो. लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आउटसोर्स जिसको किया और जिसने किया ये आपस में मिलते ही नहीं है, मिलते नहीं है तो इसका जो खामियाजा है, जो इसका जो लॉस है वो एम्प्लॉयज़ पे जा रहा है, ठीक है. पुअर क्वालिटी एंड डिलेड सर्विसेज, जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये भी कुछ हो सकता है, ठीक है. तो ये मेन जो चीज़ें हैं वो इस यूनिट में हमने कवर की हैं. बाकी BPO मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहाँ पे आप अपने बिजनेस की कोई प्रोसेस आउटसोर्स करते हो, लाइक पैकेजिंग, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, जो कि एक आउटसोर्सिंग का ही पार्ट है. देन BPO होने के बाद और एक वर्ड आता है, दैट इज़ नोन एज KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. लेट्स से मैं कॉमर्स का बंदा हूँ और मुझे साइंस के क्लास में जाना है, या साइंस के क्लासेस एज अ बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे साइंस के बारे में पता तो नहीं है, तो क्यों ना मैं किसी ऐसे बंदे को कॉन्टेक्ट करूँ जिसको साइंस के बारे में भी पता हो, सब्जेक्ट के बारे में भी पता हो और क्लासेस की भी थोड़ी आइडिया हो, तो मैं उससे नॉलेज परचेस करूँगा. दैट्स नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. मुझे जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है मैं किसी और का नॉलेज हायर कर रहा हूँ और उसके थ्रू वो एक्टिविटी कर रहा हूँ. लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग LPO भी होता है. LPO का मतलब होता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहाँ पे मैं किसी की लीगल सर्विसेज हायर करता हूँ. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल भाई मुझे पासपोर्ट निकालना है, मुझे पता नहीं कैसे निकालते, तो मैं किसी एजेंट को कॉन्टेक्ट करूँगा जो मेरे फॉर्म्स भर के देगा, मुझे बताएगा कब मेरा इंटरव्यू कहाँ जाना है. अगर मुझे किसी पे केस फाइल करना है तो मुझे तो कायदे का नॉलेज नहीं, लॉ का नॉलेज नहीं है, उस बंदे को मैं बताऊंगा कि भाई आप मेरे तरफ से केस फाइल कीजिए. दैट इज़ LPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. इसमें कुछ टर्म्स भी आते हैं, B2B, हाँ, जैसे बिजनेस टू बिजनेस, फिर आता है B2C, दैट इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर, C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, कुछ चीज़ें कंज्यूमर के द्वारा बिजनेस को सेल की जाती है, जैसे Cars24, जो लोग कार यूज़ करते हैं उनको कार सेल करनी है तो वो Cars24 में कॉन्टेक्ट करते हैं, दैट इज़ कंज्यूमर टू बिजनेस, एक अच्छा एग्जांपल है ये. कंज्यूमर टू कंज्यूमर OLX, जहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉन्टेक्ट करते हैं. बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन,
जहाँ पे आप अलग अलग टैक्सेस या कुछ रिसीट या फिर गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं उसको फिलअप करने के लिए आप उनसे कांटेक्ट करते हो, दैट इज़ बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ हैं हम उनसे हासिल करते हैं। चलिए, तो होपफुली बहुत अच्छी चीज़ हमने कवर की इस यूनिट में। वैसे हमने कल देखा था इस यूनिट में, इस यूनिट को टोटल 7 मार्क्स का वेटेज है। नाउ विल गो टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 6, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस पढ़ना क्यों जरूरी है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज बिजनेस और सोसाइटी का जो रिलेशन है वो रिलेशन है गिव एंड टेक रिलेशनशिप। आई रिपीट, सोसाइटी और बिजनेस का जो रिलेशन है दैट इज गिव एंड टेक रिलेशनशिप। ओके फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स। तो आप भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ एंड प्लीज़ गिव मी द चांस ऑफ हैविंग रिफ्रेशमेंट। बस एक एग्जैक्टली 2 से 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो विल एग्जैक्टली स्टार्ट विथ 4:20 PM। ठीक है। परत तो चालू।
So let's get started. I think it's 4:20 p.m. and जैसे मैंने आपको बताया था कि we'll start with by 4:20 p.m. तो भाई चलिए मैं हाजिर हूँ. Okay, social responsibilities of business. सवाल ये आता है कि क्यों हम ऐसा कहते हैं कि भाई एक social responsibility भी होती है business की. क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि there is always a give and take relationship. आप बोलोगे सर कैसे गिव एंड टेक रिलेशनशिप? आई टेल यू. देखिए सोसाइटी जो है, सोसाइटी वो बिजनेस को जितने भी रिसोर्सेस है जो बिजनेस के लिए जरूरी है सारी प्रोवाइड करती है, जैसे लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये सारी चीजें सोसाइटी के लिए बनी है, बिजनेस के लिए नहीं बनी है. बराबर है? तो सोसाइटी इज इन अ फॉर्म ऑफ गिविंग मूड. ठीक है, अगर सोसाइटी बिजनेस को कुछ दे रही है एंड सो सोसाइटी बिजनेस को कुछ दे रही है, बिजनेस इज एक्सेप्टिंग दिस फैसिलिटीज, देन ऑब्वियसली सोसाइटी इज ऑल्सो एलिजिबल टू गेट समथिंग फ्रॉम द बिजनेस. अच्छा ऐसा होता है? यस डेफिनेटली ऐसा होता है, क्योंकि बिजनेस, देखिए जितना भी बिजनेस के लिए चीजें जरूरी है, जैसे मैंने बताया लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अच्छे रोड्स, कम्युनिकेशन, ये सोसाइटी के लिए बना है जो कि हम बिजनेस को पास ऑन करते हैं. तो बिजनेस का भी फर्ज बनता है कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे. क्या अच्छा कर सकते हैं सर? बहुत कुछ कर सकते हैं. एक तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, टैक्सेस पे कीजिए टाइम पे, गवर्नमेंट को उनके प्रोजेक्ट में हेल्प कीजिए, फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल. आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जितना अच्छा उतना ज़्यादा अच्छा है. तो ये अलग अलग तरह की हेल्प है जो आप सोसाइटी को और गवर्नमेंट को और अपने देश को हेल्प कर सकते हैं. इसलिए सवाल आता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. इसमें सर मुझे तीन क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं जो कि आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं. पहला, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉयज. किसी भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों जरूरी है टूवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज, तो हम बात करते हैं टूवर्ड्स एम्प्लॉय. वैसे क्वेश्चन करने जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल है, जैसे हमने बात की थी टाइम कंस्ट्रेंट के चलते, हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो मुझे लगता है या जो मोस्ट प्रोबेबल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. तो हमारा पहला क्वेश्चन है टूवर्ड्स एम्प्लॉयज. टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, ये रहा सर. ये आया क्वेश्चन तो कितने मार्क के लिए आ सकता है? भाई देखो, ये क्वेश्चन आया तो जस्टिफाई वगैरह में नहीं आएगा आपको. ये क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 8 में आ सकता है, जहां आपको वेटेज दिया होता है 5 मार्क के लिए या 8 मार्क के लिए. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अगर ये आता है तो आएगा 5 मार्क के लिए या 8 मार्क के लिए. ठीक है, चलिए. सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी बिजनेस की टूवर्ड्स एम्प्लॉय होती है जॉब सिक्योरिटी. देखिए, अगर पीसफुल माइंड से अगर एम्प्लॉय काम नहीं करेगा और उसके मन में हमेशा डर रहेगा कि पता नहीं भाई मेरा जॉब है या नहीं है, पता नहीं मेरी कंपनी है या नहीं है, तो शायद वो बेस्ट प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी अपने कंपनी को नहीं दे पाएगा. और बहुत सारे लीडर्स होते, बहुत सारे मैनेजर्स होते जो हमेशा डरा के काम करने में बिलीव करते हैं, जैसे भाई ये करो नहीं तो जॉब जाएगा, वो करो नहीं तो ऐसा होगा, है ना. तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय के मन में इतना डर बैठ जाएगा कि शायद वो पीसफुल माइंड से काम नहीं कर पाएगा. तो हर कंपनी की, हर मैनेजर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करे. जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये भी नहीं होता है कतई ही कि एम्प्लॉय कुछ करे ना करे उसकी जॉब, उसकी सैलरी चालू है, ऐसा नहीं होता है. हाँ, ये होता है कि एज लॉन्ग एज एम्प्लॉय इज प्रोडक्टिव उसका जॉब बना रहेगा. सेकेंड, फेयर रिम्यूनरेशन. फेयर मीन्स प्रॉपर, आई रिपीट, फेयर मीन्स प्रॉपर. ज़्यादा काम के लिए कम पैसा नहीं और कम काम के लिए ज़्यादा पैसा नहीं, दोनों तरह से. क्योंकि अगर आपने काम बहुत सारा करवा लिया और पैसा कम दिया तो एम्प्लॉय हमेशा डीमोटिवेटेड रहेगा, नाराज रहेगा और उसका कहीं ना कहीं काम पे असर होगा. तो अगर आपने कम काम के लिए ज़्यादा पैसे दे दिए तो फिर मोटिवेशन कहाँ से रहेगा? क्यों सोचेगा मैं ज़्यादा काम करूँ, क्योंकि एनीवेज पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं. सो तीसरा, हेल्थ एंड सेफ्टी. अपने क्लास में हमेशा एक कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, दैट कंपनी इज एबीबी,
एशियन ब्राउन बेवरेज, जिसका नासिक में भी एक यूनिट है, और उसमें हमेशा एक चीज़ मैं बताता हूँ कि उस कंपनी में हर जगह लिखा है कि सेफ्टी फर्स्ट एंड ऑलवेज, दैट कंपनी बिलीव्स कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ की जो सेफ्टी है वो सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हम उसको प्रायोरिटी में रखते हैं। दैट वे इट इज़ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी और उनकी हेल्थ हमारे लिए प्रायोरिटी, क्योंकि वो अच्छे रहेंगे तो भाई हमारा प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा रहेगा। यस, गुड वर्किंग कंडीशंस, वेंटिलेटेड प्लेस, जहाँ एसी की ज़रूरत हो एसी, फैन, लाइट्स, है ना, प्रॉपर वर्किंग प्लेस, प्रॉपर सिटिंग एरिया, कैफे एरिया, वॉशरूम्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है गुड वर्किंग कंडीशंस में। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रेड यूनियन जो होता है वो गलत होता है, मतलब ये होना अच्छी बात नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जो वर्कर्स होते हैं वो अपने सेफ्टी के लिए, अपने अधिकारों के लड़ने के लिए, अपने अधिकारों के बचाव के लिए वो यूनियन बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। हाँ, वो गलत कब होगा कि अब अननेसेसरी अनड्यूली उनके जो राइट्स है, उनके जो अधिकार है, उसको आप कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हो, तब, अदरवाइज ट्रेड यूनियन इज नॉट हार्मफुल। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, देखिए एक एजुकेशन हमें मिलता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए, सीए, हाँ इससे मिलता है, और एक हमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मिलती है हमारे वर्क प्लेस से, मतलब कंपनी से जहाँ पे हम जॉब करते हैं। तो एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेने के बाद कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एम्प्लॉय को वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग दे। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उनका कल्चर, ट्रेडिशंस, वर्किंग पैटर्न वगैरह। देन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ अ कंपनी लीडर मैनेजर इन द माइंड्स ऑफ वर्कर्स, बहुत ज़रूरी है। उनको कंपनी अपनी लगती है, उनके जो सीनियर्स होते हैं अपने लगते हैं कि नहीं भाई ये भी हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये भी हमारे ओपिनियन को कदर करते हैं, तो इनका नुकसान हमारा नुकसान है, इनका भला हमारा भला है, ये उनके मन में आता है। अगर ये नहीं होगा तो दे विल नॉट जेल विद द कंपनीज गोल। जेल होना मतलब भाई वो कभी भी कंपनी के गोल के साथ नहीं चलेंगे या मिक्स नहीं होंगे। प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी कंपनीज में ना इंटरनल ओपनिंग्स निकलती है और उनके वेबसाइट पे आती है, भाई सो एंड सो डिपार्टमेंट में ये ओपनिंग है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो, जिसको लगे है, वो अप्लाई कर सकता है। तो वहाँ पे करियर ऑप्शन होना चाहिए, वहाँ पे एक प्रोसीजर होनी चाहिए कि जो अच्छा करते हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि दे कैन ऑल्सो गो टू नेक्स्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ डिजिग्नेशन, सैलरी, अथॉरिटी, एवरीथिंग। नेक्स्ट, प्रॉपर ग्रावेंस रिट्रेसल या प्रोसीजर। ग्रावेंस मतलब कंप्लेंट, ग्रावेंस का मतलब होता है कंप्लेंट, याद रखना प्लीज, और प्रॉपर यही वर्ड यूज करना। प्रॉपर ग्रावेंस मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को, खास करके फीमेल एम्प्लॉयज को, अगर किसी से कुछ परेशानी हो, ठीक है, तो वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट में या पूरे सिस्टम में, पूरे कंपनी के सिस्टम में प्रॉपर सिस्टम या प्रोसीजर होनी चाहिए जहाँ पे वो अपनी कंप्लेंट, अपनी जो परेशानी वो सीनियर के सामने रख सके। मिसलेनियस, इसके अलावा और भी कुछ छोटी बड़ी चीज़ें। तो ये क्वेश्चन क्यों, सवाल ये आता है कि सर इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन है कंज्यूमर से, इन्वेस्टर से, ये क्वेश्चन क्यों, क्योंकि इसमें 10 पॉइंट्स दिए और सारे बड़े एप्लीकेबल पॉइंट्स हैं। तो 10 पॉइंट्स में से अगर आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया है 5 मार्क के लिए, आप कितने पॉइंट्स लिखोगे, आप लिखोगे 5 से लेके 7 पॉइंट। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, तो सर बताइए कितने क्वेश्चंस लिखे, मैं कहूंगा पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स लिखिए। आई रिपीट, अगर क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 मार्क्स के लिए है, पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स लिखिए प्लीज़। इसमें कोई भी आपको शॉर्टकट नहीं चलेगा, क्योंकि ये 8 मार्क के लिए पूछा है, इसका मतलब उसका वेटेज भी वैसे ही है, तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है टूवर्ड्स कंज्यूमर, अगला ही क्वेश्चन है, यस, टूवर्ड्स कंज्यूमर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर, उसमें आता है सबसे पहले गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। देखिए एक आम इंसान की, एक आम कंज्यूमर की एक ही उम्मीद होती है भाई कि मैं जो पैसा खर्च कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, वो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट दे और मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो, क्योंकि हर किसी का जो पैसा होता है वो हार्ड अर्न मनी होता है।
बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है, क्या आपको अच्छा लगेगा आपका पैसा वेस्ट हो जाए तो? नहीं, मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा भी पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ है ना, आपका भी वैसे ही होगा। तो आप किसी एक पर्टिकुलर उम्मीद से, एक्सपेक्टेशन से प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो आप उम्मीद रखते हो कि भाई जो मेरा पैसा खर्च किया मैंने, उस प्रोडक्ट या सर्विस से मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। तो कंपनी का यह फर्ज बनता है कि आपको अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट ही प्रोवाइड किए जाए, फेयर प्राइजेस। घटिया क्वालिटी, हाई प्राइजेस, ऐसे नहीं चलेगा। आप एक अच्छी क्वालिटी रखिए और फेयर प्राइस लीजिए। फेयर का मतलब यहाँ पे होगा रीजनेबल, फेयर प्राइस का मतलब होगा रीजनेबल। कंज्यूमर सेफ्टी, ठीक है, कंज्यूमर सेफ्टी का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट हजार्डस नहीं होने चाहिए, रिस्की नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि भाई यूज करने गए और किसी की जान चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, या किसी को परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कस्टमर सेफ्टी, और ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते भी हैं तो उसके साथ मैन्युअल होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए कि देखिए दिस इज द इंस्ट्रक्शन टू यूज, ठीक है, ओके। फेयर प्राइजेस में मैं बता दूं कि फेयर प्राइजेस मतलब रीजनेबल प्राइजेस, एक पर्टिकुलर आप प्रॉफिट लेके अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए। एबनॉर्मल प्राइस नहीं इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि आपने ये सोचना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो मैक्सिमम लोग यूज कर सके। ऐसा नहीं होने चाहिए कि बस मार्केट में, सोसाइटी में कुछ पर्टिकुलर लोग पैसे वाला ही परचेस करते हैं। ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, अपने देश में इसके बारे में मामला बड़ा गड़बड़ है, दुनिया भर की चीज़ें बता देते हैं हम एडवर्टाइजमेंट में, दुनिया भर की कमिटमेंट दे देते हैं, लेकिन क्या ये सही होती है? आंसर इज नो। बहुत ऐसी कम कंपनी है जो फेयर एक्चुअल, वो उनके प्रोडक्ट की जो फीचर्स है, जो क्वालिटी है, जो वो देते वही बताते हैं, और कुछ भी एक्स्ट्रावेगेंट नहीं बताते। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हर कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो फेयर एडवर्टाइजमेंट बताए, जो है वही बताए। आफ्टर सेल सर्विसेज, खैर ये हर प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज के लिए, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। कंपनी ने जो कमिट किया कि भाई हम 2 साल के लिए आपको आफ्टर सेल सर्विस वारंटी देंगे या गारंटी देंगे, तो उन्होंने वो फुलफिल करनी चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप बोलोगे सर ये टूवर्ड्स कंज्यूमर कैसे हुआ, बताइए ज़रा एक बार, पक्का बताएंगे। इसलिए हुआ, R&D डिपार्टमेंट का मेन काम क्या होता है? टू फाइंड आउट न्यू प्रोडक्ट और फीचर, फाइंड आउट न्यू प्रोडक्ट और फीचर। अभी आप मुझे बताइए, अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया या कोई नया फीचर आया, तो इसका भला किसको होगा सबसे पहले? कंपनी को तो होगा ही होगा, नो डाउट, लेकिन उसके बाद कंज्यूमर को होगा ना, कस्टमर को होगा ना। तो नए प्रोडक्ट का बेनिफिट भाई कंज्यूमर को भी मिलेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मार्केट में आजकल ईवी व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल बड़े फॉर्म में है। हर कंपनी कोशिश करे कि आज नहीं तो कम अपना ईवी लेके आए, 2-व्हीलर 4-व्हीलर में, तो उसका कंपनी को तो बेनिफिट है ही है, लेकिन कंज्यूमर को भी है ना बेनिफिट। रेगुलर सप्लाई, हम इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। कल भी मैंने शायद इसके बारे में बताया था, डिमांड एंड, देखिए ऐसा है कि सप्लाई बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। सप्लाई में कहीं कमतरता आ गई, कमी आ गई, तो उसकी डिमांड एज इट इज रह गई, तो ये प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। और अगर सप्लाई बहुत बढ़ गया, डिमांड एज इट इज़ है, तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उससे प्रोडक्ट ज़्यादा अवेलेबल है। तो कंज्यूमर क्या चाहता है भाई? कंज्यूमर चाहता है कि उसका कांस्टेंट सप्लाई बना रहे प्रोडक्ट का, और हमारी डिमांड तो है ही, बस वो मीट हमेशा मैच होती रहे कि भाई जितनी डिमांड है उतना सप्लाई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अननेसेसरी प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अटेंड कंप्लेंट्स, कंज्यूमर को कोई ग्रावेंसेस हो, फीडबैक हो, तो अटेंड करना चाहिए। ट्रेनिंग, जागो ग्राहक जागो, ऐसे कुछ कैंपेन चलानी चाहिए। अवॉइड कस्टमर एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है उनके साथ चीटिंग, उनका शोषण करना, राइट, मतलब प्राइस वाइज या घटिया क्वालिटी प्रोडक्ट देना, ज्यादा प्राइजेस लेना, एनी वे दैट इज एक्सप्लोइटेशन। लास्ट वाला क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज गवर्नमेंट, और तीनों में थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा वेटेज दूंगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। और ऐसा है कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चाहती है कि आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए,
गवर्नमेंट इन द सेंस बोर्ड का ऐसा मानना है कि भाई टूवर्ड्स गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की हो सकती है, ये तो आपको मस्ट नो वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा इस पर फोकस ज़्यादा बनता है, ज़्यादा ये डिमांड करता है, ज़्यादा ये इसका अधिकार है, एंटाइटल्ड है। पहला, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। हम सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो चलती है उसके जो खर्चे हैं वो किस बेसिस पे निकलते हैं, हम जो टैक्सेस पे करते हैं वो। तो अगर हम टैक्स ही पे नहीं करेंगे टाइम में, या उसमें चोरी करेंगे, या लेट भरेंगे, या नहीं देंगे, तो हमारी गवर्नमेंट कैसे चलेगी? गवर्नमेंट आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी, वो हम नहीं कर सकते। ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑब्जर्विंग का मतलब होता है फॉलोइंग, स्ट्रिक्ट फॉलोवेंस टू फॉलो। तो ऑब्जर्व करना, आज एक बंदा रूल नहीं ब्रेक मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, कल उठ के दो लोग और करेंगे, 10 करेंगे, 15 करेंगे, गवर्नमेंट किन किन को देखेगा, कैसे संभालेगा? तो ऑब्जर्विंग का मतलब होता है टू फॉलो। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, जहां जैसे पॉसिबल हो आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कीजिए ताकि गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज में मदद मिले। कहीं ना कहीं अगर आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो आपकी जीडीपी में हेल्प करेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो आप इकोनॉमी को भी डेवलप कर रहे हो, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। इम्प्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मैंने बहुत बार बताया अपने क्लास में, सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है सोशल प्लस इकोनॉमिक। अगर लोगों का सोशल स्टेटस राइज हुआ, बढ़ा, तो इकोनॉमी को तो अच्छा ही होगा ना। कैसे सर, ये नहीं समझ में आया, बताइए, पक्का बताऊंगा। सोशियो इकोनॉमिक मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज मैं महीने के लेट्स अज्यूम 50,000 रुपये कमाता हूँ, तो मेरे खर्चे उस हिसाब से, लेकिन अगर मेरा सोशल स्टेटस मतलब फिनेंशियल स्टेटस बढ़ गया और मैं महीने के 1,00,000 रुपये कमाने लग गया, तो मेरा ऑब्वियसली स्पेंडिंग भी उसी तरह से होगा। अगर मैं उसी जगह पे 2,00,000 रुपये कमाने लग गया, तो फिर मेरे चॉइसेस, मेरा स्पेंडिंग वो भी उस तरह से होगा। मतलब अगर आज मैं 1,000 रुपये का शर्ट पहनता हूँ, तो कल उठ के मैं 5,000 का शर्ट पहनूंगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरा जो सोशल स्टेटस है, फिनेंशियल स्टेटस है, मेरा जो ये राइज हुआ है मेरे इनकम में, मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, उसका इकोनॉमी को भी फायदा होगा। सजेशंस टू गवर्नमेंट दीजिए ना, गवर्नमेंट कहाँ ना बोलता है कि आप सजेशन नहीं दीजिए, पक्का दीजिए। तो आपके सजेशंस गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी बनाने में बड़े हेल्पफुल होंगे। नो फेवर्स, कुछ लोगों को हम फेवर करेंगे और कुछ को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो फेवरेटिज्म, सबके लिए कायदा सेम है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, टाइम पे टैक्स भरो, फाइन भरो अगर आप कुछ गलती करते हो तो, एंड दैट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ठीक है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे जो हमने डिटेल में डिस्कस किए। नाउ विल गो टू चैप्टर नंबर 7 जो कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें मुझे एक क्वेश्चन, एक नहीं दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे, रादर दो नहीं तीन क्वेश्चंस, विल सी वन बाय वन। मेरा पहला क्वेश्चन होगा इसमें, स्टेट द नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। भाई इसकी जरूरत क्या है, क्यों ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, तो नीड के बारे में बात करेंगे। दूसरे इसमें हु इज कंज्यूमर, जिसके बारे में बात हो रही है वो भी बता दो, कौन है और उसके राइट्स क्या है, ठीक है। और बस उसी की तरह इक्वेशन दिया था कि स्टेट एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जो कि 2000 मार्च 2022 और अक्टूबर 2021 में पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते कि नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, भाई इसकी ज़रूरत क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक ही मिनट, इसकी ज़रूरत इसलिए है, जनरली सेफ गार्डिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर के राइट्स को सेफ गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना इज गिवन इन द एक्ट, इसलिए उसका नाम दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है और ये यूनिट भी है। इट इंक्लूड्स ऑल मेजर्स, मेजर्स मतलब उपाय, सॉल्यूशंस एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स।
इसके अंदर सारी वो चीज़ें दी है जिसकी वजह से सारे कंज्यूमर्स के राइट प्रोटेक्ट हो, राइट्स एंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मतलब उनका भाई ऐसा लगे नहीं कि भाई हम अकेले, हमारे सामने कोई दिखने वाला नहीं, हमसे चीटिंग हो गई तो हम क्या करें, ऐसा नहीं हो. इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज अ किंग ऑफ मार्केट. बराबर है, किंग ही है किंग. और उसके साथ कुछ गलत हो जाए, बुरा हो जाए, चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं. हेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. पहला, नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर. अगर कोई एक्ट हो, अगर कोई ऐसे सिस्टम हो जिसके थ्रू हम सारे कंज्यूमर्स को एक साथ ला सकते तो कोई फायदा होगा. अगर ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, अगर कोई ऐसा एक्ट नहीं है तो फिर कैसे एक साथ में लाए? तो इट इज नोटेड दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक डिसीजन विच अफेक्ट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विदाउट कंसल्टिंग कंज्यूमर्स. बराबर है. देखिए, इस दुनिया में हर कोई अपने बारे में पहले सोचता है, फिर दूसरे के बारे में सोचता है. ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है? तो कंपनी भी जब सोचेगी तो पहले उनके बारे में सोचेगा ना, दूसरे के बारे में क्यों सोचेंगे? ठीक है, कंज्यूमर के बारे में क्यों सोचेंगे? और देर ऑर्गेनाइजेशन, या तो खुद के बारे में या तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. ओनली अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रेशराइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अलाउ कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अगर ऐसी कोई सिस्टम हो, ऐसा कोई ग्रुप हो, ऐसे कोई राइट हो जिसमें मजबूरन बिजनेसमैन को कंज्यूमर्स के बारे में सोचना पड़े, तो दैट कैन मेक द डिफरेंस. इसलिए कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड. लीक ऑफ इंफॉर्मेशन, यार आजकल ये पॉइंट रहा नहीं है क्योंकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल एवरीवेयर, है ना? लेकिन पहले के टाइम पे आप देखिए, जब गूगल नहीं था, जब नेट नहीं था, जब स्मार्टफोन नहीं था, हाँ, तो एक्सेस नहीं था लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए. टीवी वीवी भी नहीं हुआ करता था, राइट? तो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, तो इन्फॉर्मेशन हासिल करने का एक सोर्स माना जाता था भाई ये एक्ट. तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में, खास करके आपके राइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन हैव इजीली. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर. बात तो सही है, बिकॉज द कंज्यूमर्स लिव इन अ डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, दे आर वाइडली स्कैटर्ड. कंज्यूमर एक जगह पे थोड़ी है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे क्या बोलते हैं उसको, बस अलग अलग जगह पे उनका अस्तित्व है, रहते हैं. टूडेज मार्केट आर फुल ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट. देयर फोर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट करेक्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर दे परचेज. आजकल आप स्कैन करने के बाद भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो प्रोडक्ट की, ये बात अलग है. लेकिन ये जब एक्ट बना था तब ये सारी सिस्टम नहीं हुआ करती थी, ये रूल बनाया गया. इग्नोरेंस क्या है? अगर ऐसा कोई कायदा, अगर ऐसा कोई रूल ना हो तो मैन्युफैक्चरर इजीली कंज्यूमर को इग्नोर कर दे. भाई तेरा क्या काम है, तेरे पास क्या राइट है? इसलिए भी एक्ट जरूरी है. अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, देखिए हर बिजनेस का जो टाइप होता है ना, उसका एसोसिएशन होता है. जैसे ज्वेलर्स का एक एसोसिएशन है, जो किराना दुकान ग्रॉसरी चलाते शॉप चलाते उनका एसोसिएशन है, जो लोग लेट से हार्डवेयर का बिजनेस चलाते उनका एक एसोसिएशन है. आपने सुना है कभी कंज्यूमर का एसोसिएशन? नहीं. ये अनऑर्गेनाइज होते हैं, इनको सिस्टम के बांधने वाला कोई नहीं होता है, कि भाई एक साथ में रखने वाला नहीं होता है, इसलिए इसकी जरूरत है. कंज्यूमर्स आर वाइडली स्कैटर्ड एंड आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड. ऑन द अदर हैंड, सेलर्स आर बेटर पोजीशन देन कंज्यूमर्स, क्योंकि उनका एसोसिएशन होता है, दे आर पावरफुल. कंज्यूमर्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेसमैन एंड इंडिविजुअल. कंज्यूमर कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द पावरफुल सेलर्स. स्पूरियस गुड्स, स्पूरियस मतलब फेक, डुप्लीकेट. भाई अगर आपको ओरिजिनल कीमत, ओरिजिनल प्रोडक्ट बोल के डुप्लीकेट बेच दे, या ओरिजिनल प्रोडक्ट के पैसे लेके डुप्लीकेट दे दे, तो आप कहाँ जाओगे? ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए अगर ऐसा हुआ तो आपके पास भी कोई राइट चाहिए कि भाई आप चीटिंग का केस, फ्रॉड का केस कर सकते हो. देर इज इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जेन्यून प्रोडक्ट एंड द इमिटेशन. इमिटेशन मतलब खोटा, ठीक है, फेक. इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम सच एक्सप्लोटेशन बाय इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस. कॉम्प्लायंस मतलब कुछ चीज़ों की फुलफिलमेंट करना, दैट इज कॉम्प्लायंस विथ प्रिस्क्राइब नॉर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. जैसे गवर्नमेंट ने ISI मार्क रखा है, एग मार्क रखा है, ठीक है. मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो हमने ऊपर भी देखा, ऐसा होना नहीं चाहिए. अगर ऐसा होता है कि देखिए कैसा होता है, कि मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, मोस्ट ऑफ द परचेसर्स, है ना, एडवर्टीजमेंट देख के उसके इन्फ्लुएंस से, उसके प्रभाव से, उसके इंप्रेशन से प्रोडक्ट परचेस करते हैं. भाई मैं टीवी के सामने बैठा हूँ, मैं कुछ देख रहा हूँ, एक लेट्स से एक अच्छे चॉकलेट की एडवर्टीजमेंट आ गई, है ना,
और मैं बड़ा इंप्रेस हो रहा, बोला यार अभी तो चॉकलेट खाना ही है, बड़ा मन हो गया चॉकलेट खाने का। मैं गया, जो चीज़ें दिखाई थी, क्योंकि मैं वो एडवर्टीजमेंट से इंप्रेस होकर वो चॉकलेट लेने गया हूँ, और पता चला यार ये तो बड़ी घटिया क्वालिटी, जो चीज़ें बताया था वो है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए, जो आप बता रहे हो वही होना चाहिए। माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन, माल प्रैक्टिसेस मतलब, माल प्रैक्टिस का मतलब होता है रॉन्गफुल थिंग्स, गलत करके आप बिजनेस नहीं कर सकते, लोगों के साथ चीटिंग करके, शुड बी अवॉइडेड। ट्रस्टीशिप, गांधी जी ने कहा था कि एवरी बिजनेसमैन इज अ ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी उस पर भरोसा करती है, उस भरोसे की वजह से रिसोर्सेज देती है, उस भरोसे की वजह से उनका प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेस किए जाते हैं। तो ट्रस्टीशिप को मेंटेन रखना बिजनेसमैन का, ये सारे पॉइंट्स है, इसकी जरूरत की वजह से देर इज अ एक्ट कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ सकता है कहाँ पे, वही बात है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, 5 मार्क के लिए। या फिर क्वेश्चन नंबर 8, दोनों का फर्क क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 8 मार्क के लिए, दोनों का फर्क क्या होगा? अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ आता है तो बोलेंगे राइट एनी 5, राइट एनी 6, राइट एनी 7। अगर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है तो भाई ऐसा कुछ बताएंगे नहीं कि राइट एनी 8, आपको सारे लिखने हैं, है ना। सबसे पहला राइट क्या कहता है? राइट टू सेफ्टी, आपको हर प्रोडक्ट ऐसा मिले जो आपके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट हो, ठीक है। अगर हैजार्डस है भी, रिस्की भी है, तो उसके साथ प्रॉपर मैनुअल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। दूसरा राइट टू इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट से रिलेटेड हर जानकारी आपको मिलनी चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका बैच नंबर, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी एमआरपी, उसका एक्सपायरी डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। राइट टू चूज, क्या ऐसा होगा कि अगर आप किसी शॉप में गए और आपने बोला भाई मुझे ना लक्स का सोप चाहिए, बाथिंग सोप चाहिए, और बोला नहीं नहीं भाई मेरे पास लक्स नहीं, आप एक काम करो रेक्सोना लेके जाओ, आप डव लेके जाओ, नहीं नहीं ऐसे कैसे चलेगा? राइट टू चूज मेरा अधिकार है। आप अगर चॉकलेट लेने मार्केट में गए और आपका मन है कि मैं कैडबरी डेयरी मिल्क खाऊं, और सामने वाला बोलता है नहीं नहीं कैडबरी डेयरी मिल्क नहीं मेरे पास, मेरे पास है ना किटकैट है, कोई खाना पड़ेगा, चलेगा? कैसे चलेगा? यू हैव अ राइट टू चूज। राइट टू बी हर्ड, अगर आपका किसी कंपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट हो, तकरार हो, ग्रेवेंसेस हो, तो आपको पूरा अधिकार मिलता है कि सामने वाली अथॉरिटी, सामने वाली पार्टी आपकी बात सुन ले, यू हैव अ राइट। अगर वो नहीं सुनते तो देन यू कैन फाइल अ केस। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब कंज्यूमर का अधिकार है ना एजुकेशन लेना, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना, मार्केट के बारे में जानकारी लेना। यस, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिप्रेजेंट मतलब वो अपना केस जो हम आगे देखेंगे, जो अथॉरिटी होती है, कौन सी अथॉरिटी होती है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, ये तीन तरह की अथॉरिटी होती है, वहाँ पे अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। राइट टू रिड्रेस टू गेट द सॉल्यूशन, रिड्रेस का मतलब होता है, राइट टू रिड्रेस मीन्स टू गेट द सॉल्यूशन ऑन देयर ग्रीवेंसेस। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, आपके बिजनेस की वजह से मेरी हेल्थ क्यों खराब हो, मेरे आने वाले जनरेशन के हेल्थ पे क्यों उसका असर हो, मैं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री चाहूंगा, या ये मेरा अधिकार है कि मुझे हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, अनफेयर मतलब मैंने बताया रॉन्गफुल, आप बताते कुछ और हो, करते कुछ और हो, प्रोडक्ट के उनके जो इंग्रेडिएंट्स कुछ एक्चुअली कुछ और है, आपने बताया कुछ और है, प्राइस आप एडवर्टीजमेंट में कुछ और बताते हो और हमें एक्चुअल में अलग चार्ज करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेरियस मतलब डुप्लीकेट, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं लिखने जैसे, जो कि आप इजीली लिख सकते हो। एक दो जो कि राइट टू सेफ्टी है पहला, दूसरा राइट टू इंफॉर्मेशन, तीसरा राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेस दैट इज टू गेट सॉल्यूशन ऑन द क्वेरी, राइट टू हैव हेल्दी एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, एंड 10th पॉइंट इज राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स। ये सारे कंज्यूमर के राइट्स है जो कि हमने डिटेल में कवर किए। मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाँ एक चीज मैंने आपको बताई थी,
बताया था आपको कि ये चीज हम कर लेते हैं। ये रहा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, देर आर थ्री अथॉरिटीज, कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन। ये तीनों का रोल अलग है, ठीक है, तीनों का रोल अलग है, उनका ज्यूरिसडिक्शन होता है, उनकी एज लिमिट होती है, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी, और कितने अमाउंट तक के केसेस चल सकते हैं वो वहां पे दिया है, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करें तो दिस डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन रन द केसेस और कैन एक्सेप्ट केसेस जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से कम हो, लेस देन डज नॉट एक्सेड 1 करोड़, 1 करोड़ से कम हो। बाकी मेंबर्स वगैरह इजी है, वो आप देख सकते हो, एज वगैरह, प्रेसिडेंट कितने लोग होंगे, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज क्या होगी, दैट कैन बी सीन। स्टेट कमीशन की अगर बात करें तो यहाँ पे लेकिन एंटरटेन द केस अप टू ₹10 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर, लेकिन 10 करोड़ के अंदर वाले, कम वाले। नेशनल कमीशन की बात करें तो ये केसेस एंटरटेन कर सकते 10 करोड़ के ऊपर वाले, मोर देन 10 करोड़, मतलब ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे दिया कंसिडरेशन एक्सीड्स, ठीक है। बाकी की सारी चीजें इजी है, कंपेरिजन में भी दिया, डिस्टिंग्विश में भी दिया, वहां पे एक बार आप देख सकते हो, द पॉइंट्स आर इजी। और ये पॉइंट करना, शायद इसमें से एक डिस्टिंग्विश आ सकता है, वो किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन, या स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, या स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन, नेशनल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट, कैसे भी कोई भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है। तो प्लीज पढ़ के रखना। ओके, लास्ट वाले चैप्टर पे जाते हैं, दैट इज मार्केटिंग। ओके, चलिए, मार्केटिंग लास्ट बट नॉट लीस्ट चैप्टर यूनिट। मार्केटिंग ये जो चैप्टर है वो बेसिकली कहता क्या है, मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग मतलब प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रमोशन ऑफ सर्विसेज, एनहांसिंग द सेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज मार्केटिंग। मुझे बहुत सी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर मार्केटिंग इज अ वाइडर टर्म और एडवर्टीजमेंट, तो क्या लगता है मार्केटिंग वाला वाइडर टर्म होगा एडवर्टीजमेंट? डेफिनेटली मार्केटिंग इज अ वाइडर टर्म देन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग तो बड़ा शब्द है या बड़ा फील्ड है। ओके, मार्केटिंग में मतलब बेसिकली मार्केटिंग हम अपने प्रोडक्ट को एनहांस करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग करते हैं। आजकल ऐसा कहा जाता है कि शायद आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा कम हो क्वालिटी में तो भी चलेगा, लेकिन मार्केटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब कतई नहीं है कि भाई आप क्वालिटी घटिया बनाओ प्रोडक्ट की और मार्केटिंग बहुत अच्छी रखो। जितनी आपकी मार्केटिंग अच्छी हो उतना ही प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक बार आप किसी के साथ चीट कर सकते हो, दो बार कर सकते हो, हर बार नहीं। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए आपका प्रोडक्ट का ही अच्छा होना जरूरी है, देन मार्केटिंग। हाँ, लेकिन इतना भी जरूरी है कि अगर आपका प्रोडक्ट सही है, अच्छा है क्वालिटी में, तो लोगों तक पहुंचना भी चाहिए ना, है ना। अच्छा प्रोडक्ट तो भाई सबको ही मिलना चाहिए। चलिए अभी मार्केटिंग की बात करते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस ऑफ क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स। आप प्रोडक्ट सर्विस, कोई प्रोडक्ट के थ्रू ऑफ वैल्यू, उस चीज के लिए वैल्यू मतलब उसके लिए इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रहे हो, एंड यू आर सेलिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू टू द कस्टमर्स, क्लाइंट, पार्टनर, सोसाइटी एट लार्ज। जिस प्रोडक्ट की वजह से कस्टमर का लाइफस्टाइल चेंज हो, उसको बेनिफिट मिले, या सर्विसेज की वजह से उसकी लाइफ आसान हो, दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बी सेड एज वैल्यू, और वो वैल्यू सेल कर रहे हो, इसको आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, दैट इज मार्केटिंग। फिलिप कोटलर जी ने कहा है कि मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। बात तो सही है, आई डू एग्री विद दिस। क्यों? बिजनेसमैन क्या करता है, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को बनाता है ताकि लोगों की लाइफ आसान हो, एंड दैट्स हिज बिजनेस। और लोग वो प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्यों परचेस करते हैं? क्योंकि वो जरूरत है।
मतलब बिजनेसमैन का काम है कि लोगों की जरूरत को समझो, देखो और वैसे प्रोडक्ट या सर्विसेज दो जो लोगों को उसकी जरूरत है ना। आपका बिजनेस भी होगा और लोगों का भी काम होगा, आई मीन देयर लाइफ विल ऑल्सो भी ईजी, इवन सोशली उनका स्टेटस भी अपग्रेड होगा। वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन ने क्या कहा है कि मार्केटिंग इज द कोर बिजनेस, ये कोर एक्टिविटी है बिजनेस की, फिलोसॉफी दैट इज थिंकिंग विच डायरेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एक्सचेंजेस विच क्रिएट सुपीरियर वैल्यू ऑफ ऑल पार्टीज। सबकी लाइफ को आसान करना, बढ़ाना, वैल्यू क्रिएट करना, उनको लाइफ में अपग्रेडेशन देना, ये सारी चीज़ें मतलब बिजनेस। तो बिजनेसमैन को ये सारी चीज़ें करके पैसा मिलता है, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, जस्ट विल सी इट। ओके, मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ना, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग और फोर प्रोडक्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, हालांकि तीन जो बाद में ऐड हुए वो भी हम देखेंगे। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में क्या आता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ मार्केट बहुत इजी दिया है, जैसे टाइप ऑफ मार्केट में लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मतलब जैसे लेट्स से नासिक का एक मार्केट लोकल की तरह ही ट्रीट होगा, नेशनल मतलब पूरे देश का डोमेस्टिक, इंटरनेशनल मतलब कंट्री टू कंट्री। टाइम की बात करें तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, शॉर्ट पीरियड मतलब जिसकी लाइफ ज़्यादा नहीं, जैसे कोई फूड आइटम 15-20 दिन, एक महीना हो सकता है। लॉन्ग पीरियड मार्केट वॉशिंग मशीन, मशीनरी, जेरोक्स मशीन, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, टीवी, फ्रिज, ये 8-10 साल तक चलते हैं। उसके बाद आता है होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। होलसेल में बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट बेचा और खरीदा जाता है, रिटेल मार्केट में कम क्वांटिटी में। प्राइमरी मार्केट जो हमें नेचर से मिलता है, सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कुछ करते हैं, टर्मिनल मार्केट मतलब बेसिकली जहाँ पे बाइंग सेलिंग तो होगा लेकिन किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे दिया, टर्मिनल मार्केट रिफर्स टू द मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे हम डायरेक्टली एक तरह से बोल सकते हैं कि बी टू सी। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कमोडिटी मार्केट मतलब जो लोगों को डे टू डे सबको जो उपयोगी पड़ता है वो, कैपिटल मार्केट वहाँ पे जहाँ पे कैपिटल गुड्स बेचे जाते हैं। रेगुलेटेड मार्केट विच इज कमिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, अनरेगुलेटेड मार्केट विच कैन बी डिपेंडेंट, फ्री मार्केट जिसको कहा जाता है जिसकी प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट मतलब जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल सेलर्स आर सेम, इम्परफेक्ट फ्यू सेलर्स। मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपसोनी एक्सेट्रा। मोनोपसोनी रेफर्स टू मार्केट सिचुएशन वेर देर इज अ सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी सर्विस। सर इसके लिए कोई एग्जाम्पल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। सिंगल बायर की बात करें तो रेलवे, अपने देश में रेलवे जैसा कोई है नहीं। जो कोचेस बनते हैं, जो उसके जो इंजिन्स बनते हैं, जो बाकी की चीज़ें होती है रेलवे से जुड़ी हुई, एक ही बायर है एंड दैट इज रेलवे मतलब गवर्नमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं, हमें कौन सा पढ़ना था, ये कह सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आएगा ये। अगर क्वेश्चन आपको आया तो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर में ज़रूर आएगा, आया तो, या शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो 5 मार्क के लिए आया तो इसमें से आ सकता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। सिर्फ सोसाइटी को बताइए, सोसाइटी के बारे में बताइए, सोसाइटी को नहीं, सोसाइटी के बारे में। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर मेरा नया प्रोडक्ट भाई लोगों की जो इच्छा है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ाता है। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, जितने भी बिजनेसेस है खुद से सब सारी एक्टिविटीज तो नहीं कर सकते। इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है इसमें, तो ये सोसाइटी का एक भला है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एक वर्ड बताया था, इकोनॉमी ऑफ स्केल। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही कॉस्ट ऑफ यूनिट मतलब पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम होगी। कंज्यूमर अवेयरनेस, आपका नया प्रोडक्ट नए फीचर्स लेके आएंगे तो आप सेल क्या करते हो, प्रोडक्ट के साथ साथ फीचर्स। मोबाइल के एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, लैपटॉप की एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, किसी नए गाड़ी की कार के एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, आपको वो फीचर्स को प्रमोट करते हैं। उनको पता है कार्स हर कंपनी बेचती है, लेकिन हम सिर्फ कार बेच के नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, नए फीचर्स सेल करने पड़ेंगे, लोगों तक पहुँचाने पड़ेंगे। दैट इज कंज्यूमर अवेयरनेस एंड दैट कुड बी द बेनिफिट टू द सोसाइटी।
इंक्रीज इन नेशनल इनकम, हाँ जीडीपी बढ़ेगा ना भाई, गवर्नमेंट को मिलने वाला टैक्स में बढ़ेगा। मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, देखो कंज्यूमर अगर पैसा देगा तभी देगा जब उसको लगे कि हाँ भाई मुझे कुछ नया बेनिफिट मिल रहा है, कोई वो पैसा देगा नहीं तो नहीं देगा। नाउ टू फर्म, बिजनेस को उसका क्या फायदा है, इंक्रीज अवेयरनेस, जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट आपका चलेगा, तो इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अगर अवेयरनेस बढ़ गया, लोगों को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, पसंद आया, तो आपका सेल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्रिएट ट्रस्ट, दैट मीन्स दे वॉन्ट टू से गुडविल। अगर लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आता है, लोग परचेस करते हैं, तो उससे आपके प्रोडक्ट पे, आपकी कंपनी पे ट्रस्ट बढ़ेगा, और वो ट्रस्ट एक गुडविल बनेगा, ब्रांड बनेगा। बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस, बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस मतलब मुझे एक बार पता चल गया कि मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत डिमांड है, लोग पसंद कर रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन, दो तीन मॉडल, दो तीन वेरिएशन भी लेके आऊँ तो चलने वाले, तो उसकी वजह से मेरा डिसीजन वुड बी इजी। सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, अब भी थोड़ी देर पहले देखा कि हर कंपनी में R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर मेरा प्रोडक्ट चल रहा है, अगर मुझे उससे रेवेन्यू आ रहा है, तो क्यों ना इसमें मैं और कुछ इनोवेटिव चीजें करूं, इनोवेशन करूं, जिसे और भी अच्छा हो, लोगों का फायदा हो, मेरा फायदा हो एज अ बिजनेसमैन। टैकलिंग द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को टैकल करने का एक अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप हमेशा उससे आगे रहिए। आप बोलोगे सर अच्छा रेसिंग होती है उनके बीच में आगे लेने के लिए, नहीं, आगे रहने का मतलब है आप अपना प्रोडक्ट कुछ इस तरह से रखिए जो हमेशा USP में बना रहे, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आपके पास हो। जो कॉम्पिटिटर दे रहा है, जितने भी कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा फीचर हो जो सबसे आगे हो। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर, प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस, अवेयरनेस होगा तो परचेस करेंगे। प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट, देखो जितनी एडवर्टीजमेंट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, क्वालिटी भी उतनी मेंटेन रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मार्केटिंग कर रहे और क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे, कि उनको पता है लॉन्ग टर्म में ये चीज़ काम नहीं करेगी, तो उनको क्वालिटी कंपलसरी देना पड़ेगा। तीसरा, प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर को आप कितना भी अच्छी क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट दे दो, एक लेवल के बाद बोर हो जाएगा, बोलेगा भाई इसमें नया क्या है, और क्या और क्या और क्या। बढ़ते इकोनॉमिक्स में कि ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, दैट पर्सन इज ऑलवेज फुलफिलिंग द न्यू न्यू थिंग्स, एक खत्म हो गई तो दूसरी की तरफ हो जाता है ना। इसी तरह से फिर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अगर हम रखेंगे तो कंज्यूमर को भी इसकी जो नीड है, डिजायर है, विलिंगनेस है, वो फुलफिल होते रहेगा। हेल्प्स इन सिलेक्शन, अगर आप जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट दो उतना ही सिलेक्शन के लिए हेल्प हो जाएगी। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उतना ज़्यादा सेल, और उतनी ही ज़्यादा ब्रांडिंग, गुडविल, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये बहुत अच्छी तरह से दिया है कि सोसाइटी के लिए ये सारे बेनिफिट हैं, फॉर्म के लिए ये सारे हैं, कंज्यूमर के लिए सारे हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर में ये क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, तो तीनों लिखना प्लीज, ए बी सी, ये तीनों लिखना। लेकिन अगर आपको वो पूछते कि वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर द फर्म, तो सिर्फ ये लिखना। What is the importance of the marketing to the consumer? तो सिर्फ ये लिखना, अगर सोसाइटी तो ये लिखना, क्योंकि आपका टाइम और आपके एनर्जी दोनों को ही आपको मेंटेन करके चलना है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, जो मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था, विच इज ऑलमोस्ट लास्ट, नहीं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में क्या आता है। मार्केटिंग, जैसे हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं यहाँ पे, इसी तरह से फंक्शन ऑफ, जस्ट अ मिनट, जिस तरह से हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट में एग्जैक्टली क्या क्या एक्टिविटीज आती है और किसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में क्या होगा, पहला मार्केटिंग रिसर्च है ना। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मुझे किसी सिटी में घूमने जाना है, जैसे लेट से माई फैमिली सेइंग कि चलो इस बार राजस्थान जाते, जयपुर जाते घूमने के लिए, तो मैं घूमने से पहले देखूंगा ना गूगल पे कि जयपुर में क्या क्या है भाई देखने जैसा, क्या क्या है घूमने जैसा, कितने दिन की ज़रूरत है, अकोमोडेशन की क्या व्यवस्था है, वगैरह वगैरह। उसी तरह से अगर मैं मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो पहले मैं मार्केटिंग रिसर्च करूँगा ना,
इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं है, मेरा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्राइस कैसे होने चाहिए, कंपटीशन कितनी है, उस कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में क्या ऐसी खास बात है जिससे लोग परचेस करते हैं, वगैरह वगैरह. तो मार्केटिंग रिसर्च इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन. बाइंग एंड असेंबलिंग मे बी ऐसा हो सकता है कि कहीं से कुछ प्रोडक्ट मैं रेडीमेड लेके आऊँ, उसका कुछ असेंबलिंग करूँ और सेल कर दूँ, या जैसे ट्रेडिंग में होता है. तो पता होगा ट्रेडिंग में मैं कहीं एक लोकेशन से प्रोडक्ट मंगवाता हूँ, यहाँ पे इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेज देता हूँ, है ना. सो इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एट वन प्लेस फॉर द प्रोडक्शन. दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिटरमाइन द कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे मैंने बताया कि मैं ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ बिजनेस में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉन्स्टेंट रहे तो मुझे रॉ मटेरियल भी कॉन्स्टेंट एक अच्छी क्वालिटी का रखना पड़ेगा. दैट इज बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड असेंबलिंग. असेंबलिंग मतलब फाइनली प्रोडक्ट बनाना एंड टू सेल इन द मार्केट. मार्केट प्लानिंग. मार्केट प्लानिंग में क्या आएगा भाई, मार्केट की साइज क्या है. मार्केट की साइज का मतलब होता है कि कितने लोग हैं बायर, कितने वॉल्यूम का मार्केट है, कितने कॉम्पिटिटर्स है, लोग कितने फ्रिक्वेंसी से परचेस करते हैं, परचेस करते समय किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते, प्राइस को, फीचर्स को, क्वालिटी को, स्टाइल को, या और किसी चीज़ को, वगैरह वगैरह. दैट इज़ माय मार्केट प्लानिंग. मार्केट प्लानिंग मैंने कर ली, फिर प्रोडक्ट डेवलप करूँगा. भाई मैंने चार लोगों के प्रोडक्ट को सीख लिया, देख लिया कौन क्या दे रहा है मार्केट में, फिर मैं अपना खुद का प्रोडक्ट बनाऊँगा. दैट इज़ नोन एज मार्केट, सॉरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट. मेरा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि बाकी के कंपनी से बेहतर हो सके, प्राइस वाइज थोड़ा कम हो, फीचर वाइज ज़्यादा हो, ताकि इट विल बी हेल्पफुल टू माई कंपनी टू रन माई प्रोडक्ट इज इन द मार्केट. स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. सो क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, घटिया प्रोडक्ट देखिए नहीं चलेगा कॉस्ट बचाने के चक्कर में. तो ग्रेडिंग का मतलब है एक पर्टिकुलर ग्रेड, एक पर्टिकुलर क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा मेरा प्रोडक्ट. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि भाई अब भी मैंने इस लॉट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे दिया, अगले लॉट में मेरा प्रोडक्ट एकदम घटिया आ गया, तो ऐसे थोड़ी चलेगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं पार्ले जी बिस्किट. आप देखिए कहीं से भी परचेस कीजिए, कहीं से भी, कभी भी, आपको एक ही क्वालिटी मिलेगी. दैट इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन. उन्होंने वो क्वालिटी बेंचमार्क सेट किया है, आपको उस पर भी ध्यान देना है. ऐसा नहीं होगा कि आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, कभी बहुत अच्छी क्वालिटी, कभी बहुत घटिया, कभी मीडियम, कभी ठीक, ऐसे तो नहीं चलेगा. पैकेजिंग एंड लेबलिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दोनों सेम लगता है. नहीं, पैकेजिंग मतलब आप प्रोडक्ट को जो इंटैक्ट रखते हो, प्रोडक्ट को जो फ्रेश रखने की टेक्निक होती है, दैट इज पैकेजिंग. लेबलिंग मतलब प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, कब बनाया, कहाँ बनाया, प्राइस क्या है, बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, वगैरह. ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रांडिंग, ब्रांड का मतलब होता है कि उस सेगमेंट में आपकी कंपनी का रिकॉग्निशन क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बोले कि भाई अगर मैं आपको 100,000 रुपये दूँ तो आप कौन सी टू व्हीलर लेना पसंद करोगे, आई विल से भाई होंडा एक्टिवा फॉर एग्जाम्पल, या टीवीएस जुपिटर. दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग, कि उस कंपनी ने मेरे माइंड में एक जगह बनाई है कि हाँ अगर मुझे इस सेगमेंट में ये पर्टिकुलर चीज़ लेने की जरूरत पड़े तो मैं किस कंपनी की तरफ जाऊंगा. दैट इज ब्रांडिंग. कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. आपको पता है कि ऑलमोस्ट हर कंपनी के कॉल सेंटर होते हैं, दैट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जितना लगता है ईजी है ना, उतना ईजी है नहीं. आप प्राइसिंग ना बहुत टू मच हाई भी रख सकते हो, टू मच लो रख सकते. क्यों हाई रखने जाओगे तो आपके कस्टमर्स बोलेंगे नहीं नहीं भाई, क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो प्राइस बहुत है, हमें नहीं लेना. आप लो रखोगे तो आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो आपको ऐसी प्राइस रखनी पड़ेगी जिसमें आपका प्रॉफिट भी हो और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो. इसलिए प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज इम्पॉर्टेंट. प्रमोशनल चैनल्स. प्रमोशनल चैनल्स मतलब आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करोगे. सोशल मीडिया है, या होर्डिंग है, या रेडियो एडवर्टिजमेंट है. हाउ यू आर गोइंग टू प्रमोट योर प्रोडक्ट थ्रू विच चैनल. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. हाँ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यूजुअली कैसे होता है, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर एंड टू कस्टमर. सो दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्यों, आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि आपका ये चैनल कैसे रहेगा. जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना प्रोडक्ट महंगा होगा और उतना ही आपको प्रोडक्ट का मार्जिन भी सबको देना पड़ेगा. ट्रांसपोर्टेशन. यस, आपका प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा,
फिर होलसेलर कौन, रिटेलर कौन, उसके पास कब पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड। वेयरहाउसिंग ऐसा होगा, आज प्रोडक्ट बना और आज के आज बिक गया। भाई ये वड़ा पाव तो नहीं है ना, है ना कि भाई गरम गरम वड़ा पाव बना और लोग आए और बस अगले दो मिनट में परचेस करके चले गए। नहीं, आप जो कार बना रहे हो, आप जो टीवी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप जो कोई मशीन बना रहे हो, आपको पता नहीं है आज ये मार्केट में कब बिका जाएगा। मे बी अगले हफ्ते भी हो सकता है, मे बी दो महीने भी लग सकते हैं। आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ेगा ये सारे फंक्शंस की मार्केटिंग। लास्ट वाला फंक्शन है मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं। कौन आएगा मार्केटिंग मिक्स में, कौन से पॉइंट्स आएंगे। पहले चार पीस थे, अभी सात पीस हो गए। कौन से प्रोडक्ट। मार्केटिंग तो तब होगी जब आपके पास कोई प्रोडक्ट होगा ना। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब एक सर्विस भी हो जाती है। सर्विस इज ऑल्सो कंसिडर एज प्रोडक्ट, क्योंकि इसलिए तो हमने रखा है ना GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST, है ना। तो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट और आपकी सर्विस। आपके पास कुछ होगा तो सेल करोगे ना, प्रमोट करोगे। कुछ है ही नहीं तो बेचोगे क्या। तो बेचने के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए या सर्विस चाहिए। प्राइस चाहिए, वो प्राइस कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। सेकेंड पी, आप बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं रख सकते, बहुत कम भी नहीं रख सकते। प्राइस इज सेकेंड प्लेस, आपके प्रोडक्ट का प्लेस क्या होगा, कहाँ पे मिलेगा, है ना। जैसे अगर ज्वेलरी, अगर आप है, आपका कोई ज्वेलरी ब्रांड है तो आपको ज्वेलरी के शॉप में मिलेगा, ठीक है। अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जैसे कपड़ों की बात करें, कोई ब्रांड है, आपको मॉल वगैरह में जाना पड़ेगा। आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी, आपका प्रोडक्ट डिसाइड करेगा इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे होगी, वेयर द प्लेस इज। आप अभी डिपेंड्स, अभी जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो कार के शोरूम में होगा। तो आपका बिजनेस प्लेस क्या होगा, वेयर योर प्रोडक्ट विल बी, प्रमोशन, हाउ यू आर गोइंग टू मेक द प्रमोशन, क्या सोशल मीडिया पे चलाओगे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, या फिर टीवी के एडवर्टीजमेंट में, या होर्डिंग में, या पेपर में, न्यूज़पेपर में, प्रमोशन कैसे करोगे। पीपल हु आर द टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस का मतलब होता है आप ये किसको प्रोडक्ट आपका अपील करेगा, किसको ये कहेगा कि भाई आप हमारे राइट कस्टमर हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया गैजेट होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो यूथ इज अवर प्रोबेबल कस्टमर। कोई ज्वेलरी ब्रांड होगा तो जो यंग वुमेन है वो हमारे टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, कि उनके लिए ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। कोई फूड है, फास्ट फूड है, तो कॉलेज के जो बच्चे हैं, जो कॉलेज गोइंग है, उनके पास पैसे भी होते हैं, डिज़ायर भी होते हैं, पैसे खर्च करने की तैयारी भी होती है, उसके लिए है। पीपल, प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है कि आपकी एग्जैक्ट प्रोसेस क्या हो कि प्रोडक्ट बनाने के लिए, पैकेजिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दैट वे। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, लोकेशन, लेआउट, इंटीरियर डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ड्रेस ऑफ द स्टाफ एंड हाउ दे एक्ट, वेटिंग एरिया एक्सेट्रा, है ना। फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल अपीयरेंस। आप एयरटेल की गैलरी में चले जाइए, गैलरी मीन्स टेली कम्युनिकेशन की गैलरी की बात कर रहा हूँ, या फिर आप किसी अच्छे होटल में चले जाइए, आप किसी अच्छे फूड चेन के इसमें चले जाइए, विल फाइंड द पीपल आर वेरी डिसेंट। उनका जो इंटीरियर का जो लोकेशन है, लेआउट है, वो सेम है। यूनिफॉर्म जो स्टाफ का है वो सेम कलर का है। उनका जो बोलने का स्टाइल है, डिसेंसी है, एकदम सेम रहेगी। तो पहले एक्चुअली चार पीज हुआ करते थे, कौन से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये हुआ करता था। फिर तीन जो इसमें जुड़ गए कि आप किसको अपील करोगे आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट किसके लिए बनाया है, पीपल, आपकी प्रोसेस क्या होगी उन तक पहुंचने की, या आपके प्रोडक्ट में क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होगी, और फिजिकल एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। हम ऐसी जगह जाके खाना खाना पसंद करते जो क्लीनलीनेस हो, वहाँ पे हाइजेनिक हो, है ना, स्टाफ अच्छा हो, स्टाफ के ड्रेस अच्छे हो, है ना। ऐसे तो फिर बहुत सारे ढाबे, क्यों वहाँ पे जाके नहीं खाते, क्योंकि सस्ता मिलता है, हालांकि सस्ता मिलता है वहाँ पे, लेकिन नहीं, वी वांट क्वालिटी, वी वांट डिसेंसी, वी वांट हाइजीनिक, ये सारी चीज़ें चाहिए, दैट इज फिजिकल एनवायरनमेंट। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड। और मेरे हिसाब से अगर आप जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जितने हमने डिस्कस की है, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पेपर में आने की, इतना आप करते हो, ठीक से करते हो, याद रखते हो, सारे पॉइंट्स कवर करते हो, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई अच्छे मार्क्स लाने से रोक सकता है उसी में। और ऑब्जेक्टिव सारे करना, ऑब्जेक्टिव में कोई शॉर्टकट मत मारना कि भाई यही करेंगे वही नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इजीली आप मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई है। अभी थोड़ा सा मैं ओवरऑल पेपर के बारे में आपको बता दूँ। पेपर आपका टोटल है 80 मार्क का, जो मैंने पहले भी बताया आपको। योर टोटल
जब डिस्कस किया था तब, कितने मार्क का है? इट इज ऑफ 80 मार्क्स, और आपके पास टाइम है 3 आवर्स, मतलब 180 मिनट्स। ठीक है, अभी देखिए आपको 80 मार्क्स का जो पेपर है उसके लिए आपको 180 मिनट्स मिलते हैं भाई। मेरे हिसाब से आपने एक मार्क के लिए 2 से 2.5 मिनट का टाइम रखना चाहिए, 2 से 2.5 मिनट का टाइम रखना चाहिए, है ना? बराबर है। मतलब आपका अगर 2 मिनट का आप टाइम रख के चलते हो एक मार्क के लिए, जो कि आइडियली सफिशिएंट होता है, मतलब इसी का मतलब होता है कि आप जब 5 मार्क का क्वेश्चन लिखोगे, सॉल्व करने लोगे, तो आपको 10 मिनट रहेंगे आपके पास। एंड आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। आपको 2 मिनट मिल रहे 5 मार्क के लिए। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि मैंने बताया और वो हो गया, आपने सोचा और वैसे हो गया। लेट्स से अगर आप 80 मार्क्स का पेपर है इंटू 2 करते हो तो कितना हो गया? 160 मिनट। हाँ, आप बोलोगे सर आप तो फिर बोल रहे थे कि यहाँ पे 180 है और यहाँ पे 160, तो मैं लास्ट 20 मिनट्स इसके लिए रख रहा हूँ, या मैं आपको रखने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप ये लास्ट 20 मिनट्स में पूरा पेपर चेक कर सको। चेक करने के साथ साथ अगर आपने बीच कुछ गलती कर ली उसको करेक्ट कर सको, उसको चेक कर सको, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको इन कर सको, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मेरा टाइम के अंदर पेपर कंप्लीट हो। क्योंकि मेरा मेजर कंसर्न मेरे सब्जेक्ट के लिए, मुझे पता है कि सर पेपर बहुत ईजी था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, बहुत ईजी था, हमें सब आ रहा था बट इट वॉज नॉट कम्प्लीटेड। तो ये आपकी नहीं मेरी हार है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, सब आ रहा था और कंप्लीट नहीं हुआ। इसी का मतलब है कि हमने टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ कर दी। मैं तो 2.30 भी नहीं बोलता, 2 मिनट्स, इट हैज़ टू बी 2 मिनट्स। ठीक है, तो 2 मिनट में आपको एक मार्क का कंपलसरी लिखना है। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो आगे बढ़ो, उस पर ज़्यादा वेट, उस पर ज़्यादा राह देखने की ज़रूरत नहीं है, स्पेस छोड़ दो या बाद में लिख देना। ठीक है, क्वेश्चनिंग जो आप जो क्वेश्चन का लिखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 लेट से बी, तो उसका ठीक से बी आंसर देना। तो क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ए यहाँ पे, फिर कहीं और बी यहाँ पे, डी यहाँ पे, ऐसा नहीं चलेगा। तो प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, प्रॉपर आपको वहाँ पे लिखना है। पेपर चेकर की किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपके पेपर चेक करने में। ठीक है, ओके। और एक कॉमन पॉइंट, सिलेक्शन करते समय इतने अच्छे से सिलेक्शन करना चाहिए आपने क्वेश्चन का कि उसके बाद में आपको रिग्रेट ना रहे। किस चीज़ का रिग्रेट ना रहे? अरे यार ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन अपन सिलेक्ट करते तो अच्छा होता। हाँ, फिर हम क्या करते हैं, जो इतना सारा लिखा होता है ना, ये सपोज मैंने आंसर लिखा है, फिर हम उसको बड़ा क्रॉस करते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पे आंसर नया, फिर थोड़ा आंसर लिखा, फिर लगता है अरे नहीं यार यही अच्छा था यार, गलती हो गई। इस सब में आपका टाइम गया, एनर्जी गई, एफर्ट्स गए, फ्रस्ट्रेशन आया और आगे का पेपर कंप्लीट होने के वांधे हो गए, ये सारी चीज़ें होगी। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपको पेपर मिलेगा जो कि थोड़ी देर पहले मिलता है, आप हो सके तो वहाँ पे डॉट, थोड़ा टिक, जो भी आपको परमिशन हो वो उतना करके रखिए शांति से, ध्यान से, ताकि आपका सिलेक्शन क्वेश्चन का गलत ना हो, और वो सिलेक्शन गलत नहीं हुआ तो आप आराम से पेशेंटली वो आंसर लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। क्योंकि देखिए ये आपने अगर कर दिया आंसर लिखा फिर किया तो इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन, दिख रहा है यार हाफ हार्टेडली पेपर दे रहा है, कुछ ठीक से पढ़ के नहीं आया, क्वेश्चन की सिलेक्शन ही बराबर नहीं है, पहले ये लिखा अभी बोल रहा है ये, और ये भी छोड़ दिया, फिर गए काम से। भाई ऐसा मत करना प्लीज़, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ठीक से सारे पढ़ना, उसके ऑप्शंस पढ़ना। क्योंकि यूजुअली हम करते हैं कि चलो चलो भाई ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था आ गया, सारे ऑप्शंस हम पढ़ते नहीं हैं, और कभी कभार बोर्ड क्या करता है कि ऑप्शंस चेंज कर देता है और हमें लगता है कि अरे ये तो ए वाला था तो बस यहाँ पे भी ए में दिया, ऐसा होता नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ना ठीक से, ऑप्शंस देख लेना, फिर अटेंड करना, मैच द पेयर्स में भी वैसे ही करना, राइट वन वर्ड में भी आपको ठीक से वही वर्ड लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक करना मत, क्योंकि यूजुअली आपका स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से मार्क्स कट होता नहीं, लेकिन राइट वन वर्ड या राइट स्पेसिफिक वर्ड फ्रेज वहाँ पे आपके अगर आपका स्पेलिंग गलत हो गया तो शायद मार्क्स कट हो सकते हैं, क्योंकि उस वर्ड की वहाँ पे वैल्यू है, उस वो स्पेलिंग की वैल्यू है। तो डिस्टिंग्विश को भी बता दूँ, डिस्टिंग्विश में अगर आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा तो 5 से 6 पॉइंट लिखिए, दोनों साइड लिखिए, और हेड पॉइंट वहाँ पे आना चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, बाकी मैंने सारी चीज़ बताई,
जस्टिफाई का भी बताया कि जस्टिफाई में आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, उन्होंने आपको ऑलरेडी आंसर दे दिया। आपको जिस जस्टिफाई करना है रीज़न बताना है, जो कि 3 से 4 पॉइंट में आप लिख सकते हो। देन जस्टिफाई के बाद आपका आता है कि एक्सप्लेन ब्रीफली, तो आपको ब्रीफ में ही एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क का जो क्वेश्चन होगा उसमें आप 6 से 7 पॉइंट लिखिए, मोर देन इनफ। आंसर आपका पॉइंट वाइज होना चाहिए, पॉइंट को अंडरलाइन होना चाहिए, वो पॉइंट के बाद नेक्स्ट लाइन से आपका आंसर चालू होना चाहिए, ताकि वो दिखते समय बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखे, ठीक है। और एक कॉमन मिस्टेक जो कि नहीं करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 या 3 इंक का यूज़ करते हैं, ऐसे मत करो, ज़रूरत नहीं है। एक ही इंक का पिंक होना चाहिए, अलग अलग इंक, भाई आधा पेपर इससे लिखा, आधा पेपर उससे लिखा, आधा पेपर और किसी पेन से लिखा, ज़रूरत नहीं है, ये सब मत करो, इट विल क्रिएट अ वेरी बैड इंप्रेशन। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी है। इन बिटवीन अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी हो पेपर से पहले, आई एम ऑलवेज एक्सेसिबल, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट टू मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प। तो गाइज, आई होप यू हैव लाइक्ड माई बोथ द सेशंस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो आज हमने कवर किया है। एंड यू शुड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट, यू शुड मेक द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बस इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल, ये बताना आपका पेपर कैसे गया। थैंक यू वेरी मच।